गुड इवनिंग, वेलकम कल्पक, वेलकम प्रणाम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। तो कल्पक फोटो आर्टियो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और थैंक यू सो मच सर। शायद एक महीने से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि आज होगा कल होगा, तो ये आज का दिन है, आज संडे है। यस। और कल्पक नाम में क्रिएटिविटी, इसलिए कुछ तो क्रिएटिव चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। यस कल्पक वेलकम। फोटो आर्ट स्कूल ऑफ फोटोग्राफी आर्ट, ये तो आप हम लोग परिवार के मेंबर है और आप तो लाइफ टाइम फोटो आर्ट के मेंबर है, सदस्य है। और हम प्राउड फील करते हैं कि कल्पक फोटो आर्ट का स्टूडेंट है और कल्पक फोटो आर्ट का नाम दिन ब दिन और आगे लेके जा रहे हैं, इसका हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं हम लोग। तो कल्पक, हम बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो ऑल इंडिया से हमारे साथ जुड़ते हैं उनका भी वेलकम कर लेता हूँ मैं, ओके, ताकि आपका भी थोड़ा पहचान हो जाए उनसे। तो हमारे साथ जुड़े हैं उमेश पाटिल जी, वेलकम। श्रेयस पांडे जी, वेलकम। श्रेयस पांडे भी फोटो आर्टियो स्टूडेंट है और फोटो आर्टियो परिवार का ही मेंबर है। संभाजी देशमुख सर, वेलकम। मच्छिंद्र जी, वेलकम सर, सांग भला। मकरंद प्रभु सर, वेलकम। अमित भागवत जी, वेलकम। प्रमोद दरेकर जी, वेलकम। विजय सर, वेलकम प्रणाम सर। जस्ट फॉर यू इंडिया, हेलो सर, वेलकम। मोहन चौहान सर, प्रणाम सर, वेलकम। सोना डिजिटल, वेलकम। माउली माली जी, वेलकम। राहुल जी, वेलकम। ओके, अरुण जी, वेलकम। सनी दीक्षित जी, वेलकम। श्रीनाथ फोटोग्राफी, वेलकम। गणेश शाह फोटोज, वेलकम। सो जो हमारा एक्चुअली एक परंपरा बन गई है कि आप सभी का नाम लेते हुए मुझे बहुत खुशी मिलती है। स्वप्निल सूर्यवंशी जी, वेलकम। और एक्चुअली संडे हो या मंडे हम लोग रोज मिलते हैं। लास्ट वीक ऐसा गया कि जिसमें मैंने सिर्फ दो टॉक्स किए थे, लेकिन आज कल्पक जी का एक टॉक है, राइट। और यहाँ पर श्याम लोहर सर जुड़े हमारे साथ, वेलकम सर। किरण सर जुड़े हैं, राहुल जी जुड़े हैं, वासुदेव सर प्रणाम सर, राहुल जी मोदी वाले रिस्पेक्टफुल नमस्कार सर्वांना प्रणाम सर, सतीश पेड़नेकर सर जुड़े हैं प्रणाम सर मुंबई से। और थैंक यू सो मच, आप सभी के प्यार के वजह से हम लोग डेली टॉक्स लेकर आ रहे हैं। अमोल जी वेलकम, नरेश जी वेलकम, महेश जी वेलकम अमेरिका से, उनके वहाँ पे मॉर्निंग हो चुका है इसलिए वो गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। सचिन फोटोज वेलकम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अभिजीत सर वेलकम, चैतन्य जी वेलकम, संतोष पाटिल सर वेलकम सर, राजकुमार जी वेलकम, दूध पचारे स्टूडियो वेलकम, विक्रम जी वेलकम, रोशन ठाकुर सर वेलकम प्रणाम। क्या बात है, आज की एक महफिल अलग ही रंग लेने वाली, और नाम में ही कल्पक है तो शायद बहुत कुछ क्रिएटिविटी देखने मिलेगी। क्लिक फोटो विजन, वेलकम वेलकम वेलकम। सो कल्पक जी की पहचान तो हम लोग मतलब बताएंगे आगे, उनका क्या स्टोरी है, किस तरीके से कल्पक जी अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन मैं कल्पक जी से स्टार्ट करूंगा, जो कि कल्पक जी ऑलरेडी फोटो आर्टियो के एक होनर स्टूडेंट है और जो फोटो आर्टियो का एक प्राउड है। कल्पक मुझे बताइए, आप मतलब नासिक डिस्ट्रिक्ट से है, राइट, लेकिन आपका एग्जैक्ट होम टाउन कौन सा है, आपका गांव कौन सा है, कितना बड़ा है, और आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हमें जानना है कि आपके घर में कोई फोटोग्राफर है और आपने कैसे इंटरेस्ट लिया फोटोग्राफी में, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते आगे रहेंगे। और हमारे फेसबुक लाइव भी है हम लोग, तो फेसबुक पे भी जितने हमारे साथी जुड़े उन्हें भी वेलकम करना हमारा फर्ज है, तो मैं फेसबुक पर भी एक बार वेलकम कर लेता हूँ सभी को। और कल्पक जी आपका माइक मैंने म्यूट किया है क्योंकि बहुत शोर वहाँ से आ रहा था, तो आपको जब भी बात करना है आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं। और मैं सभी से ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा बेसिकली ये स्टूडेंट टॉक है, यहाँ पे हम किसी को कुछ भी सिखाने नहीं आए, तो जो भी कल्पक जी कर रहे हैं वर्क अपने आप में तो वो दिखाने आए, प्रेजेंट करने आए, और आपका ही गाइडेंस लगेगा हमें कि और हम आगे कैसे बढ़े। ये फोटो आर्टियो स्कूल ऑफ फोटोग्राफी आर्ट के स्टूडेंट है। तो फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं सत्यवान भोसले जी, पीनू जी, विक्रम जी, आप तीनों का भी स्वागत है, वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं।
और कल्प जी से बात हम लोग शुरू करते हैं। कल्प जी आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि कल्पक जी के यहाँ पे पावर डाउन हो चुकी है, तब तक वो जुड़ते तब तक मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। विवेक कदम सर कह रहे हैं कि कल्पक बेस्ट लक। विवेक जी स्वागत है आपका। आर के डिजिटल वेलकम सर। प्रशांत जी वेलकम। अशोक जी वेलकम। स्टूडियो 77 हम साथ साथ है। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अनदर बेस्ट टॉक। थैंक यू सो मच। गणेश जाधव जी वेलकम। पिनू जी वेलकम। पूजा जी वेलकम। गणेश जाधव जी वेलकम। मूर्त फोटो वेलकम। क्या बात है, क्या बात है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश शिंदे जी, अजीत जी, सत्यवान जी, विवेक कदम जी, गुड इवनिंग सचिन जी एंड कल्प। थैंक यू विवेक जी, वेरी गुड इवनिंग। पूजा जी भी कह रहे, पूजा जी कुछ आ रहे कि बेस्ट ऑफ लक कल्पक। सुनील जी वेलकम। आदित्य जी वेल्कम। सुधीर जी वेलकम। चलिए कल्पक जी मुझे बताइए कि आपका कहाँ पे मतलब होम टाउन क्या है, कितना बड़ा गांव है, कैसा एरिया है, कैसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, प्रोफेशनली अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे कैसी है, और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ओके सर, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, ये टॉक हिंदी में ही है, लेकिन कुछ वर्ड अगर मुझे नहीं सूझे तो प्लीज कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश और मराठी का मैं थोड़ा बहुत हेल्प लेते रहूँगा। ओके सो आप सभी को अब मालूम है मेरा नाम कल्पक वाघ है। मैं बेसिकली रानवड़ करके गांव है या निफाड़ में, निफाड़ नासिक में, तो वहाँ पे रहता हूँ। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड है कल्पक फोटोज करके। एक्चुअली लगभग 2000 के नियर या हम लोग आपका थोड़ा सा एंगल क्रॉस किया तो भी चलेगा, शायद आप विंडो लाइट ले रहे हैं ना। हाँ राइट, तो हल्का सा क्रॉस कर दीजिए ताकि राइट बेटर बेटर बेटर। नो वरीज नो वरीज, कंटिन्यू। ओके तो मेरा रानवड़ में स्टूडियो है और नासिक में करने की प्लानिंग भी चालू है, अभी जल्दी करेंगे। पहले तो मुझे बहुत अभी आपसे बातचीत भी हुई थी मेरे कि बाहर एडमिशन भी लेना है, तो सब कुछ ओके। आई थिंक कल्पक जी का फिर से एक बार इंटरनेट का इशू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और कल्पक नासिक डिस्ट्रिक्ट से है, एक रानवड़ वहाँ पे छोटा सा गांव है वहाँ से है, और पिंपलगांव बसवंत ये उनके वहाँ पे एक प्लेस है जो एक बड़ा वहाँ पे प्लेस है। और कल्पक अभी अपनी स्टोरी तो बताएंगे, लेकिन कल्पक जब हमारे पास थे पुणे में तो कल्पक जी के पास ऑलरेडी क्रिएटिविटी खास है, और मैं स्क्रीन पे यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कि जैसे कल्पक को एक स्टाइल आइकॉन अवार्ड भी मिला है नासिक डिस्ट्रिक्ट में, ये भी एक खास बात है कि वो उनके अभी शुरुआत ही है राइट, और डेफिनेटली एक मोटिवेशनल हमारे लिए है सब कुछ। यस कल्पक आप जुड़ गए। ओके चलिए कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके तो हमारे फैमिली में 2000 से भी पहले फोटोग्राफी शुरू हुई थी, वो मेरे पापा ने शुरू की थी, बाद में वो काका ने मेरी शुरू की, तो और उसके बाद में फिर मैं शुरू कर रहा हूँ अभी। और अभी मैं मेरे काका के साथ ही रहता हूँ, मतलब फोटोग्राफी उनके साथ होते,
जो भी काम चलता है वो एक साथ ही चलता है। ओके, तो थोड़ा मैं नर्वस हूँ, तो प्लीज अंडरस्टैंड मी, क्योंकि कोई पहली कल्पक बार लाइव। फर्स्ट थिंग कि कोई हाँ नर्वस होने की जरूरत नहीं है। ये फोटो आर्टियो का प्लेटफॉर्म है, तुम्हारा तुम्हारा अपना प्लेटफॉर्म है, और फोटो आर्टियो क्या राइट ये भाई बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मोटिवेशन किया राइट जाता है, इंस्पिरेशन दिया जाता है, और बस आपको करना है, राइट, मजा करना है, रिलैक्स हो जाइए, मस्त एक गहरी सांस लीजिए, और बस अपने जो खूबसूरत लम्हे हैं, सबसे बेहतरीन लम्हा, उसको याद कीजिए और स्टार्ट कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ। ओके, कल्पक एक्चुअली यस नासिक डिस्ट्रिक्ट से, एक छोटे से गांव से है। उनके पिताजी ने शुरुआत की थी फोटोग्राफी की, उसके बाद में उसके अंकल जो है वो भी फोटोग्राफी कर रहे हैं, विनोद बाग सर, और उसके साथ अभी कल्पक भी उसमें एंटर हुए हैं। 6 महीने के लिए कल्पक पुणे में थे फोटो आर्टियो में, 2018-19 में, तो जब लगभग 10th मतलब सितंबर में कल्पक जी आए थे, और वो आगे 6 मंथ्स हमारे साथ थे, और बहुत बहुत प्यारा समय था वो, बहुत मजा आती थी। मुझे कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स याद है कि जहाँ पे हम लोग बहुत एंजॉय करते थे, और एक दोस्ती के नाते रहते थे। फर्स्ट थिंग, यस कोई ऐसा ये नहीं था कि भाई स्टूडेंट है ये है, राइट मैं बहुत डांटता भी था, बहुत डांटता था, और बहुत मजा भी करते थे। हम हमेशा खाना खाने भी साथ में बैठते थे, तो बहुत मजा चलती थी। कल्पक का खास दोस्त था ओम, ओम भी जल्दी आने वाले इस प्लेटफॉर्म पे, तो ओम और कल्पक मतलब जय वीरू थे, और ये जय वीरू की जोड़ी बहुत फेमस थी हमारे यहाँ पे। जय और वीरू दोनों साथ में रहते थे हमेशा, कल्पक और ओम। ये कल्पक की यादें हमारे साथ फोटो आर्टियो के साथ, और कल्पक आज जिस तरीके से अपनी फ्रेम्स क्रिएट कर रहे हैं, और फोटोग्राफी में जिस तरीके से अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं, तो जैसे रोशन जी ने यहाँ पे कहा कि राइजिंग स्टार है नासिक डिस्ट्रिक्ट के, तो मैं तो ये कहूंगा कि वो अभी थैंक यू मतलब महाराष्ट्र का और इंडिया के लिए राइजिंग स्टार है, धीरे धीरे आगे आएंगे। कल्पक का एज सिर्फ 20 ईयर्स ओल्ड है वो, कल्पक मतलब 21st में उन्होंने एंटर किया है, तो हम लोग 21 साल का नौजवान कहेंगे कल्पक को कि भाई अब तो शुरुआत हुई है, अब तो बहुत आगे जाना है, राइट, और राइट बहुत मजा करना है, बहुत एंजॉय करना है, बहुत नाम कमाना है फोटोग्राफी में, पूरा दुनिया घूमना है कल्पक फोटोग्राफी करते करते। और आज भी कई फॉरेनर यस फोटोग्राफर कल्पक को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उनकी जो स्टाइल है फोटोग्राफी की, उनका जो पोर्ट्रेट्स है, उनके जो वेडिंग फोटोग्राफ्स है, जो वाइड फ्रेम्स है, राइट, तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हमेशा कल्पक मुझे वो सेंड करते रहते हैं कि सर ये फोटोग्राफर है, उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो कल्पक बस रिलैक्स हो जाओ और मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या है एग्जैक्ट। सर, एक्चुअली नासिक में अभी स्टाइल आइकॉन अवार्ड करके शो हुआ था, तो उसमें उन्होंने एनालिसिस किया था कि किस रीजन में कौन से फोटोग्राफर अच्छे काम कर रहे। तो रूरल एरिया में बहुत लोगों ने, मतलब इनको हम होके ज्वाइन नहीं होते, इन्होंने खोजा था कि कौन से एरिया में कौन अच्छा काम कर रहा है। तो उनको ऐसा पता चला कि निफाड रीजन में कल्पक फोटोज करके है जो अच्छा काम कर रहे है, और पहले से है और बहुत नाम भी है उनका इस रीजन में। तो इसलिए उन्होंने हमें वहाँ पे बुलाया था और ये अवार्ड दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छा लगता है कि जब स्टाइल आइकॉन अवार्ड अवार्ड 2020 में आप वहाँ पे एक स्टाइल आइकॉन बन गए, तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ये फोटो आर्टियो के लिए भी बहुत एक प्राउड मोमेंट थी। और उसी के साथ मैं ये तो आप थैंक ऑलरेडी यू सर। स्टाइलिश हो, बताने की जरूरत नहीं, मतलब ऑलरेडी कल्पक स्टाइलिश है, उसका अगर स्टाइल देखेंगे कल्पक का तो हमें लगता है कि भाई ये तो साउथ के हीरो दिख रहे हैं अभी। थैंक यू और ये एक्चुअली वो अवार्ड का इवेंट है जहाँ पर कल्पक और ये विनोद सर है उनके साथ। विनोद जी का भी काम बहुत खूबसूरत है, विनोद जी बहुत खूबसूरती से अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं, बहुत मेहनत है उसमें। और कल्पक के पिताजी रहेंगे, अंकल विनोद सर रहेंगे, इनकी बहुत मेहनत है, और ये एक इम्पोर्टेंट लम्हा है इनके करियर का, उनके लाइफ का, कि उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया, और बहुत प्राउड मोमेंट थी। और काका और भांजा मिलके आगे ये लेके जा रहे हैं, तो ये अपने आप एक बड़ी बात है, राइट। यस सर ये दोनों है जहाँ पे अभी कल्पक फोटो को ये आगे लेके जा रहे हैं, विनोद सर और कल्पक जी। सो मुझे बताओ कल्पक की कैसा कैसा होता है कि अभी आपका फर्स्ट जनरेशन, जो इससे पहले वाला जनरेशन भी था फोटोग्राफी में, अभी आप आए तो कुछ कुछ बदलाव नजर में आ रहा है, मतलब कुछ आपने बदलाव हो गया कि जो आप ने वो एक्सेप्ट कर लिया और उस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हैं।
मैं जानबूझ के ये पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जनरेशन फोटोग्राफर्स को भी लेके आ रहा हूँ और मैं सबसे जानने वाला भी हूँ कि क्या क्या फर्क होता है। मतलब जनरेशन, जैसे मेरे पिताजी फोटोग्राफी करते थे और फिर मैं करने लगा, तो स्टार्ट स्टार्ट में मैं उनको ही फॉलो करता था, फिर धीरे धीरे दुनिया चेंज हो रही थी उस तरीके से। तो आपको कैसा, आपका क्या एक्सपीरियंस है? जी सर, एब्सोल्युटली फर्क गिरता ही है, क्योंकि मतलब जब स्टार्ट किया था, मतलब मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, तो सिर्फ काका कुछ फोटोज निकालने के लिए कहते थे कि यार जातोगे उन्हें एक फोटो, तो सो वो फ्रेम देखने के बाद मुझे पता भी नहीं चलता था कि यार ऐसा मैंने क्या कर दिया, तो वो मुझे बता देते कि यार तूने फ्रेम बहुत अच्छी ली, मतलब अगर ग्रुप फोटो होगा तो चारों साइड से इवन वो जगह छोड़ना या फिर दूसरे भी फोटो रहे तो वो बता देते कि यार नहीं तूने अच्छा किया है। तो मुझे कुछ पता नहीं था कि यार ये मतलब अच्छा, ये भी पता नहीं था मुझे, लेकिन वो बोलते थे कि नहीं तूने अच्छा किया, तो वो अप्रिसिएशन मिला मुझे। और क्या बात है, कुछ नहीं सर, अप्रिसिएशन की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। मतलब अगर मुझे कोई बोलता ही नहीं कि तू अच्छा कर रहा है, तो मैं यहाँ पे आने की कभी सोचता भी नहीं। क्या बात है, बहुत ही बात आपने शुरुआत में कह दी, अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है, मतलब कौतुक कोणाल नहीं आवडत। यस 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 एब्सोल्युटली। और मेरे फैमिली का इसमें बहुत सपोर्ट रहा, मतलब बहुत बार होता है कि यार वो आप फोटोग्राफी कर रहे तो उसमें क्या रखा है, लेकिन मेरी फैमिली में कभी ऐसा हुआ है नहीं, सिर्फ पहले से बता देते जो करना है वो अच्छा करना है, मतलब ऐसे नहीं कि तूने फोटोग्राफी चूज की और कैसे भी तू सिर्फ गुजारा करने के लिए कर रहा है, तो उसको अच्छा प्रोफेशन बना और उसमें जो भी टॉप होगा वो तो करने की कोशिश कर। क्या बात है, क्या बात है, इंटरेस्टिंग। आपने अभी जो बात की कि अप्रिसिएशन मिला और फिर और चाहत बनती है उस चीज़ की, कोई अच्छा अगर बोले अरे तूने बहुत अच्छा किया, तो लगता है कि यार अगर अगर इस तरीके से हमें कोई अच्छा बोलेगा ना, और अच्छा करना चाहिए, फिर और अच्छा करना चाहिए। तो मुझे लगता है अप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, शाबाशी कहते हैं हम लोग और मराठी में कौतुक कहते हैं। कौतुक झालं ना कि मग बस, कौतुकासाठी आपण भुकेलेलो असतो आणि कलाकार असतो। ॲक्च्युली कलाकार आर्टिस्ट को अप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पैसे मिले और काम हो गया ऐसा नहीं होता है, लेकिन क्या आर्टिस्ट मतलब कलाकार को क्या मिला उससे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। शायद कल्प जी का इंटरनेट फिर से थोड़ा सा डाउन हो गया है। ओके कल्पक, ओके आ गए कल्पक जी आ गए। कल्पक जी सिर्फ एक सेकंड लेता हूँ आपका, ताकि बीच में हमारे साथ अजीत सर है, अजीत सर का कल बर्थडे था। अजीत सर आपको विश वेरी वेरी हैप्पी वाला बर्थडे, और कल मैं उस फोटोशॉप का कल था कुणाल जी का, तो उसमें मुझसे रह गया, तो आज बिलेटेड आपको हैप्पी बर्थडे और थैंक यू सो मच आप जुड़े आज भी। विवेक सर कह रहे, विवेक कदम जी की चाचा भतीजा रॉक्स क्रिएटिव आइकॉनिक, थैंक यू। मुकेश जी कह रहे कि गुड इवनिंग, और स्वप्निल बनकर कह रहे कि प्राउड ऑफ यू कल्पक सर, थैंक यू, प्रणाम सभी को। चलो आगे बढ़ते, कल्पक एक राइजिंग स्टार है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। आज हम लोग कल्पक का फोटोग्राफी देखेंगे और कल्पक की क्या स्पेशलिटी है वो भी मैं बताऊंगा, राइट। मैं स्क्रीन शेयर करके आगे बढ़ना चाहूंगा कि कल्पक अभी अवार्ड तो देख लिया हम लोगों ने स्टाइल आइकॉन, लेकिन स्टाइल आइकॉन के साथ ही कल्पक का फोटोग्राफी स्टाइल क्या है ये भी देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो ये हम लोग फर्स्ट पिक्चर देखेंगे। बेसिकली मुझे ये कहने में बहुत अच्छा लग रहा है कि जो स्टाइल मुझे पसंद है ना, वो स्टाइल से कल्पक काम कर रहे हैं, तो मुझे पसंद है इसलिए मैं खुश नहीं हूँ, तो इसलिए खुश हूँ कि कभी कभी मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, और वो शॉट्स मैं कल्पक के देखता हूँ तो बहुत खुशी मिलती है कि यार ये तो बहुत से बार मेरे भी छूट रहे शॉट्स, ऐसे मैं लेने का प्रयास कर रहा हूँ और नहीं हो रहा है, तो अगर मेरा स्टूडेंट अगर ये करता है तो अपने आप में इतनी खुशी मिलती है कि वो मतलब ऐसा है ना, मैं अपना एक रिफ्लेक्शन होता है ना, और वो एक स्टार्ट में तो वो प्रभाव भी होता है कि भाई वो वाइड एंगल वाली फ्रेम्स, हम लोग कई बार वाइड एंगल में बातें किए क्लास में भी कि वाइड एंगल डिफिकल्ट होता है, इसलिए ज़्यादातर वाइड एंगल में कोई जाता नहीं। परफेक्ट। तो कल तो मुझे बताओ कि जैसे ये एक पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर मैंने जानबूझ के एक वेडिंग का ये शेयर किया, जिसमें लाइट मतलब लाइटिंग का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है, शेडो पार्ट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और उसी तरीके से पोजिंग का भी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल है, एक अलग कॉम्पोजिशन है। तो अभी आपका चॉइस कैसे बन रहा है, मतलब कैसे आप वर्कआउट कर रहे हैं खुद पर? सर फिर से मैं बताना चाहूँगा
इट्स ऑल अबाउट एप्रिसिएशन, क्योंकि जब मैंने ऐसे स्टार्ट किया था ऐसे फोटोज निकालना, मतलब शेडोज और लाइट दिखे तो शुरू हो जाना, मतलब ऐसे कंपोजिशंस करना, और उसमें उसके बाद इसमें मुझे बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, आपको भी मैंने कुछ फोटो सेंड किए थे, तो आपने बोला था कि यार मतलब ये कोई नहीं कर रहा और ये तो कर रहा है, और कहीं ना कहीं इसका संबंध है फोटो आर्टियो से भी हुई, क्योंकि वो टेस्ट बनती जाती है, आप जहाँ पे जाते हैं उसका इन्फ्लुएंस भी आप पे होता है, राइट, तो वो इन्फ्लुएंशन होता है। इसलिए बाद में मैंने एक पोस्ट वेडिंग की थी, जो कि मेरे दोस्ती है, उसने उसके भाई था तो उसकी शादी हो गई थी, लेकिन उन्होंने उनकी इच्छा थी कि हमें फोटोग्राफी के लिए बोलना, लेकिन वो कर नहीं पाए थे, तो बाद में वो घर पे आए तो उसने सिर्फ बोला मुझे कि यार नहीं उनके तो फोटोज़ निकालने कुछ अच्छे, तो मैंने बोला ठीक है मैं निकालता हूँ, तो उनके घर गया तो उनके घर में मैंने कुछ वॉल्स देखे, बाद में वो और शाम का टाइम था तो विंडो से कुछ लाइट्स आ रहे थे और वो शेडो और लाइट का वो प्ले बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैंने डायरेक्टली फोटोज तो नहीं निकाले, लेकिन 10 मिनट उनसे एक छोटी सी मीटिंग की, उनको बताया कि नहीं हमें एक बाहर ग्रीनरी में जाके कुछ फोटोज नहीं निकालने अभी, हम एक थोड़ा सा अलग करते, और उनको बताया कि क्यों हमें अलग करना है, उसका महत्व क्या है, और वो एक्चुअली एजुकेटेड भी थे तो उनको समझ भी आ रहा था, और क्या होता है ना लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे ये नहीं चलता, ये बहुत बार सुनने को मिलता है, लेकिन उसमें मुझे ऐसा लगा उस शूट के बाद कि हमें बोलना तो चाहिए एटलीस्ट कि यार ऐसा किया तो अच्छा आ सकता है, और बस उनको भी थोड़ा 10 मिनट उनसे बात किया और वो बोले ठीक है, बोले तुझे जो करना है वो कर, और उससे उसके बाद जो फोटोज निकाले तो उसको बाद में उसके मैंने आपको सेंड किए, सोशल मीडिया पे डाले, तो आपने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, घर वालों ने अप्रिशिएट किया, दोस्तों ने अप्रिशिएट किया, और उसके अलावा मैंने जो फोटोज पब्लिश किए थे तो कुछ फॉरेनर फोटोग्राफर्स ने भी मुझे अप्रिशिएट किया, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि यार नहीं तू ऐसा कर रहा है ऐसे ही करते रहे, वो हमें वो अच्छा काम लग रहा है और वो करते रहे तू, और उनको बाद में कुछ ऐसे भी कमेंट्स आई थी पर्सनली कि ये इंडिया का कल्चर कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो हैप्पीनेस होगा, वो कलर्स होंगे, क्योंकि वेडिंग में अगर देखे तो इंडिया में ही इतने कलरफुल वेडिंग्स होते, बाहर नहीं रहते इतने, तो उनको वो कलर्स दिखे, वो इंडियन वेडिंग का टच दिखा वो, और कुछ कैंडिडेट्स भी मैंने डाले थे तो उसे भी अप्रिशिएशन की मिला कि वो हैप्पीनेस अलग ही लग रहा है, मतलब वो एक फंक्शन है, और फंक्शन मतलब एक हैप्पीनेस। हेलो आवाज आ रहा है मेरा? जी आ रहा है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कल्पक, क्योंकि एक्चुअली बहुत कुछ जानना है, राइट, जैसे पिक्चर भी मैं बीच में दिखा रहा हूँ, और मुझे एक इम्पोर्टेंट बात इसमें लगी कि जो टिपिकल हमारी जो स्टाइल एक चलती आ रही थी, और जो टिपिकली हम लोग वो पोजिंग करते थे वही अकॉर्डिंग, मतलब कई सालों से वही पोजिंग, वही लाइटिंग, वही तरीके, तो जब आपका अभी ये काम देख रहे हैं हम लोग, तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट स्टाइल आप कर रहे हैं, आप वाइड एंगल फ्रेमिंग पे ज्यादा काम कर रहे हैं, वो तो अपना फोटो आर्टियो का भी एक स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलिटी है कि हम लोग वाइड एंगल पर ही ज्यादा प्रैक्टिस भी करते थे, कि हमारा हमेशा से डिस्कशन रहता था कि वाइड एंगल, क्योंकि वाइड एंगल में इतना सब कुछ आता है पिक्चर में, तो वो कंपोज करना, वो सब कंपोजिशन थोड़ा डिफिकल्ट जाता था, कई लोग उसको सिर्फ 70-100 लेंस में ही खुश है, मतलब उस लेंस के बाहर ही नहीं आ रहे, टेली लेंस के बाहर, और हम ज्यादातर ये करते हैं कि भाई टेली लेंस से टेली लेंस तक जाना ही नहीं है, मतलब वेडिंग्स में तो टेली लेंस में अगर जाएंगे तो वो बाकी की मजा ही नहीं हम लोग ले पाएंगे, तो वो इस तरीके से आज तो सिर्फ मैं बेसिकली यहाँ पर आपके कपल पोर्ट्रेट्स है, और अलग अलग सेक्शंस में भी आप काम कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि आप प्रेजेंट कर रहे हैं और आपको अप्रिसिएशन इंडिया से भी आ रहा है और अब्रॉड से भी आ रहा है, अब्रॉड के फोटोग्राफर भी वो उस तरीके से आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये एक पिक्चर है कि जहाँ पर मुझे लगा कि जो जिस तरीके से आप कैमरा एंगल पर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप थोड़ा सा पोजिंग में काम कर रहे हैं, आप टेक्सचर उठा रहे हैं क्लाउड्स का, स्काई का, ये तो अब मुझे बताओ कि जैसे आप फोटो आर्टियो में थे एजुकेशन के लिए 2018 और 19 में,
क्या बदलाव लगा आपको यहाँ से जाने के बाद कि वो चीजें इम्प्रूव होते हुए आपको दिखी? और आपके काका के साथ हमेशा बात होती है विनोद सर के साथ, तो वो भी ये बात बताते रहते कि सर बहुत बेनिफिट हुआ, लेकिन क्या आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा एक इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ कि जिसमें ज्यादा बेनिफिट हुआ? आई थिंक कल्पक जी का इंटरनेट फिर से डाउन हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कल्पक जी बीच बीच में जुड़ते रहेंगे फिर हमसे। और लेकिन उनका काम हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं कि जहाँ पर हम अगर फ्रेमिंग देखें तो एक नॉर्मल कॉमन सा फ्रेमिंग नहीं है, राइट? इसमें या ये भी पिक्चर देखें तो ये जनरली डेकोरेशन में ऐसे ये जो होता है डेकोर और उसका एक सीलिंग बनाकर लाइटिंग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कल्पक जी। कई बार पहले होता था कि क्लाइंट वो थोड़ा सा अवॉइड करते, अरे भाई बहुत शैडो हो गई या, लेकिन अब वो नहीं रहा है, राइट? अब अपनी अपनी स्टाइल डेवलप करने का समय आ चुका है और वो करना ही इम्पोर्टेंट हो गया। अभी अपना खुद का स्टाइल बनाएंगे तो ही हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। यहाँ पे आप सभी की कमेंट भी बहुत ऊर्जा दे रही है क्योंकि कल्पक तो अभी जस्ट 20 साल का है, 20 ईयर ओल्ड है, और मतलब 20 ईयर्स कंप्लीट किए कल्पक ने। लेकिन कल्पक इस मैच्योरिटी के साथ काम कर रहा है, इतनी खूबसूरत फ्रेमिंग कल्पक की है, इतना प्रॉपरली वो सोच रहा है और एक्साइटेड होता है, मतलब बहुत एक्साइटमेंट है कल्पक में। तो मुझे हमेशा लगता है कि जो एक्साइटमेंट है ना उसमें, वही एक्साइटमेंट उसको क्रिएटिविटी में और स्कोप बना देती है। हमेशा से उसका रहता है, मतलब कई शूट में भी गया और कुछ देखा तो फोन करता है कि सर अरे यार ये यहाँ पे ऐसा ऐसा देखा है और ये चीजें है तो मुझे लगता है कि ये इसका यूज करूँ। और मैं उसको हमेशा कहता हूँ कि भाई यूज कर, सोच मत और वो पिक्चर्स भेज, क्योंकि कल्पक के पिक्चर्स देखने में बहुत मजा आता है और बहुत क्यूरियसिटी रहती है, बहुत एक्साइटमेंट रहती है हमेशा कि इस बार क्या करके आया कल्पक, राइट? तो हम लोग, मैं कल्पक का काम आगे दिखाते रहूंगा क्योंकि उनके वहाँ पे इंटरनेट का इशू चल रहा है। क्या मैं आप तक प्रॉपर पहुंच रहा हूँ? आपको मुझे रिप्लाई करेंगे कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो आप तक प्रॉपर पहुंच रही है, ताकि मैं कल्पक के जो भी पिक्चर्स है वो पहले दिखा लेता हूँ। और ओके, यस, महेश जी कह रहे हैं यस, ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ उसी के साथ ही। और कल्पक भी जुड़ चुके हैं, उनको भी हम लोग, यस कल्पक, सॉरी सर, नो नॉट एन इशू, क्योंकि वो तो अभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, वो आते रहेंगे। मैंने ये पूछा कि फोटो आरटीओ से जब आप गए और आपके शूट शुरू हो गए तो क्या फोटो आरटीओ का बेनिफिट लगा इस एजुकेशन का आपको, कि जिसमें एक इम्पोर्टेंट बदलाव आप में तुरंत आ गया, मतलब जाने के बाद आपको लगा कि यार फोटो आरटीओ से ये मुझे एक ऐसा बेनिफिट मिल गया कि मैं इसमें बदलाव मेरा हुआ है, ऐसा कोई एक की पॉइंट बता सकते हैं आप? हेलो, हाँ कल्पक, मुझे सुन रहे हो? आवाज आ रहा है? हेलो, हाँ कल्पक, मेरा आवाज आ रहा है? कल्पक ब्रेक हो रहा है। ओके, आपका इंटरनेट का इशू है? आवाज ब्रेक हो रहा था सर, अभी बोले जी। हाँ, पता नहीं क्या। मैं ये पूछना चाहता था कि फोटो आरटीओ का एजुकेशन का क्या बेनिफिट आपको ऐसा लगा कि जाने के बाद आपको तुरंत मतलब ऐसा लगा कि यार फोटो आरटीओ के एजुकेशन के वजह से मैंने ये मुझ में बहुत अच्छा बदला हो गया, ऐसा कुछ आप एक आध पॉइंट बता सकते हैं? की पॉइंट सर बहुत पॉइंट्स है, क्योंकि मैं एजुकेशन पे बहुत बिलीव करता हूँ सर। कोई भी मतलब कोई भी जगह हो, मतलब कौन सी भी साइड हो, अगर एजुकेशन प्रॉपर हो तो ही आदमी उतना स्पीड से और उतना ऊंचाई पे जा सकता है। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं, मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ प्ले करता है, लेकिन सर मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि 20 साल का एक्सपीरियंस 2 साल के मतलब एजुकेशन उसको बीट कर सकता है, 20 साल के एक्सपीरियंस को। क्योंकि हम सिर्फ एजुकेशन में टेक्निकल चीज़ें नहीं सीखते, तो जो भी सिखाने वाला होता है, जैसे कि आप हमारे मेंटर हो, तो आपके 20 या 25 साल का एक्सपीरियंस भी शेयर करते हो, तो हमें उस चीज़ को फिर से फील करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपने अगर एक कुछ आपके साथ इंसिडेंट्स हुआ और वो आपने हमारे साथ शेयर किया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसिडेंस हमारे साथ फिर हो, राइट? क्योंकि हम पहले से ही प्रिपेयर होते, तो ऐसे करके वो स्पीड बढ़ जाता है
सीखने का, और 20 साल का जो एक्सपीरियंस की जरूरत है वो कम 2 साल में भी आ सकता है ऐसा, राइट। और सबसे बढ़िया मुझे लगा कि एजुकेशन का तो वो है व्यू, क्योंकि अगर कुछ चेंज होता है अपने आप में, मतलब ओके आई थिंक कल्पक जी का फिर से एक बार इंटरनेट का इशू हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अनिल धानोर जी कुछ कह रहे हैं यहाँ पर कि सर जी कल्पक 20 साल का है मगर उसके गुरु आपके जैसे हो तो फोटोग्राफी तो खूबसूरत होगी, कल्पक की मेहनत और उनके गुरु को भी सलाम, एजुकेशन बहुत जरूरी। थैंक यू सो मच अनिल सर, एक्चुअली विनोद वाघ सर है उनके अंकल और उनके पिताजी भी कल्पक के, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें क्योंकि वो जिस तरीके से उसको आगे लेके जा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसको एजुकेशन के लिए बढ़ावा देना, उसको सपोर्ट करना। और कल्पक और भी आगे सीखना चाहता है, अभी तो हम लोग कल्पक का और भी आगे एजुकेशन करवाना चाहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे बढ़ूंगा, कुछ पिक्चर्स में कल्पक की आप शेयर करता हूँ। और देखिए कल्पक का जो फ्रेमिंग स्टाइल है और जिस खूबसूरती से वो काम कर रहे हैं, और छोटे गाँव से, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सिटी है, और हम लोग कई बार थोड़ा सा अपने आप को ही एक स्टेप पीछे खींच लेते कि यार मेरा तो छोटा गांव है, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है। कल्पक का एक्चुअली जहाँ पर वो शूट्स करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से वो अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं, कई अपॉर्चुनिटीज़ कल्पक जी को मिल रही है और वो अपने आप को बहुत प्रमोट भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो फ्रेमिंग है ना, इसमें एक वो मैच्योरिटी दिखती है, और वो मैच्योरिटी ही इम्पोर्टेंट है कि वो फ्रेमिंग कैसे लेना है, उसको किस तरीके से एंगल लेना है, पोजिंग करना है, लाइटिंग करना है। कल्पक हम तो आगे बढ़ेंगे, बातें करेंगे, और आपका क्या किट है, आप कैमरा कौन सा यूज करते हो, और आपका मतलब क्या क्या लेंसेस आप यूज कर रहे हैं, लाइट्स कौन से है आपके पास, और उसके अकॉर्डिंग मैं आगे ये भी दिखाने वाला हूँ कि आप क्या क्या फोटोग्राफी कर रहे हैं, जैसे वेडिंग, प्री वेडिंग, किड्स फोटोग्राफी, फैमिली शूट्स, राइट। ओके कल्पक एक्चुअली अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं इंटरनेट का, मैं आगे बढ़ता हूँ और उनका काम दिखाते रहता हूँ। अलाई वर्ड्स यहाँ पर कह रहे हैं कि वाइड पिक्चर इज ऑलवेज क्रिएटिंग वाव वर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज फॉर वाइड पिक्चर्स, नाइस कंपोजिशन कल्पक। थैंक यू कुणाल जी, थैंक यू सो मच, राइट। कल्पक आपके थोड़ा गियर्स के किट के बारे में बताइए कि आपका क्या क्या किट है आपके पास। ओके सर, आवाज आ रहा है मेरा? जी जी, हेलो, जी जी कंटिन्यू कीजिए। आवाज आ रहा है सर? हाँ हाँ कंटिन्यू करो कल्पक, आवाज आ रहा है आपका। हाँ आपका एक्चुअली ब्रेक हो रहा है कल्पक, एक्चुअली आपके वहां पे इंटरनेट तो सर मेरे पास तो सर मेरे पास 5D Mark III है विद 2470 2.8, देन मेरे पास एक 70-200 भी है 2.8, उसके बाद मेरे पास फूजी का XT2 करके और उसमें 18-55 की लेंस भी है, तो बस इतना है। बाद में मेरे पास फ्लैश है गोडॉस का 860, और उसके अलावा कोई फ्लैश भी नहीं है मेरे पास, तो लिमिटेड किट है, उसमें जो कर सकते करते। ओके ओके, तो आपके पास लिमिटेड किट है और उसमें आप ये धमाल कर रहे हैं? यस सर, राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपका फ्रेमिंग है, जैसे गणेश भोई जी भी आप कह रहे हैं कि कल्पक बाग वेरी इंटरेस्टेड फोटो एंड फ्रेमिंग, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कल्पक सर, वेरी गुड, क्या बात है। अमोल भी है जबलपुर से, ये कह रहे कि सर वाइड एंगल फोटोग्राफ्स बहुत ही अच्छे हैं, कौन सा लेंस यूज करते हैं, कौन सा लेंस होता है ज्यादातर आप? सर मेरे वाइड के लिए मेरे पास 2470 है और फूजी का 18-55 भी है। हाँ 1855 आपके पास? 1855, यस राइट। कल्पक मुझे बताइए, अभी आप वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं, किस तरीके से एक बेसिक प्लानिंग होता है आपका कि आप
आपको किस में ज्यादा मजा आता है, मतलब वो मोमेंट्स कैप्चर करने में मजा आता है कि बाद में कपल शूट के लिए जो स्पेशली टाइम हमें मिलता है अगर जो भी, तो आपको कपल शूट में ज्यादा मजा आता है या फिर पूरे वेडिंग में जो मोमेंट्स कैप्चर करना है उसमें मजा आता है, या पर दोनों में मजा आता है? सर एक्चुअली दोनों में मजा आता है, पर क्या है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, और आपने भी बहुत सिखाया है ये सब, और बाद में मैंने पराग शिंदे सर का भी सेशन सुना था, तो उनका भी यही कहना रहा था कि वेडिंग इज नॉट ऑल अबाउट जस्ट पोर्ट्रेट, राइट? क्योंकि वो जो विधि होती है और जो मोमेंट्स होते हैं उसके बारे में ज़्यादा है। और मतलब मैं भी ऐसा बिलीव करता हूँ कि अगर जो पोर्ट्रेट है, वेडिंग पोर्ट्रेट, वो मिलना ऑब्वियसली ज़रूरत है, क्योंकि मैं उसको ऐसा देखता हूँ जैसा एक केक बनता है तो उसके ऊपर उसे सजाने में वो स्ट्रॉबेरीज वगैरह वो डालते हैं ना, तो वो है, लेकिन मेन जो केक है वो अपने कैंडिड फोटोग्राफी है या विधि के जो शॉर्ट्स शॉर्ट्स रहते हैं वो। ओके, आई थिंक सो कल्पक जी का फिर से एक बार इंटरनेट का इशू हो गया है। कोई दिक्कत नहीं, जैसे बीच बीच में जुड़ते रहेंगे हम लोग, बात करते रहेंगे। और कल्पक का अगर काम का तरीका देखें हम लोग, अगर उनका फ्रेमिंग देखें तो वो तो सब फ्रेमिंग कर रहे हैं, वाइड वाइड एंगल्स भी है, क्लोज शॉट्स भी है, लेकिन आज ज़्यादातर हम लोग वाइड एंगल भी ये कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से उसको क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे और कंपोज कर रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग है और मजा आता है जब उसको वो ट्रीट भी प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, राइट? वो ट्रीटमेंट भी बहुत जरूरी होता है कि उसको ट्रीट भी किस तरीके से आप करते हैं। जैसे वो पैटर्न्स को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, अगर इस पिक्चर को भी देखे तो ये जो ट्री का पैटर्न है बेसिकली, ये पूरा उस पैटर्न को भी उन्होंने बहुत खूबसूरती से यूज किया है। और यही मजा है एक फोटोग्राफी का, कि हम सिर्फ मतलब एक टिपिकल रेगुलर प्लेन बैकग्राउंड पर फोटो खींच ना खींचे और अगर पैटर्न का यूज करें, तो अगर किट के बारे में देखें तो शायद वो 2470 और 1855 में भी पूरा वेडिंग्स कर सकते हैं, लेकिन अपनी सोच क्या है, मतलब एंगल्स कौन से लेने हैं, किस तरीके से लाइटिंग करनी है, किस तरीके से उसको फ्रेमिंग करना है, ये एक मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग भी फोटो आर्टियो स्कूल ऑफ फोटोग्राफी आर्ट में ये जैसे स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर सीखने, तो धीरे धीरे उनको लेके जाना पड़ता है वाइड एंगल में, क्योंकि स्टार्ट से ही पहले से ही सबको एक अट्रैक्शन होता है क्लोज शॉट्स का और वो बड़ी वाली लेंस का, मतलब वो टेली लेंस अगर यूज करने मिले तो बहुत मजा आता है सबको, और उसके साथ अगर पिक्चर क्लिक करने जाए तो वो और एंजॉय करते सब, अरे यार ये बहुत अच्छा लगा और फिर इससे तो बहुत मजा आ रहा है, बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है, लेकिन हर टाइम बैकग्राउंड आउट ऑफ फोकस करना या ब्लर करने में मजा नहीं है, क्योंकि हम उसके आसपास जो ड्यूटी होता है कपल के बैकग्राउंड में जो ड्यूटी होता है पैटर्न होते हैं वो तो पूरे मिटा देते, और अगर उसको पकड़ने की अगर आदत लग गई तो हमारी फोटोग्राफी एक यूनिक फोटोग्राफी बन सकती है। तो कल तक मुझे इस फोटो के भी बारे में बताइए, जिस तरीके से आपने उसको कंपोज किया है, तो आपका क्या होता है प्रोसेस, आप वेडिंग में जाने के बाद आपका स्टार्टिंग कैसे होता है, मतलब कैसे स्टार्ट करते हैं आप खुद को, कपल शूट कहाँ पे करना है, ये कॉल कैसे लेते हैं आप? सर एक्चुअली आपने हमें सिखाया कि ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब अगर हम जा रहे तो पहले तो ऑब्जर्वेशन में ज्यादा समय जाना चाहिए ना कि शूट में, राइट? जी जी हेलो जी 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 हेलो लगभग कंटिन्यू कीजिए आवाज आ रहा है आपका। हाँ यस यस यस, तो बस मैं मतलब जब मैंने इस लॉन्च में एंटर किया था, मतलब मुझे पता चला कि यार यहाँ पे अभी शूट है, तो पहले मैंने ये पेड़ देख लिया था, मतलब ये पेड़ उस पूरे वहाँ पे जितना भी पेड़ थे बाकी के उसमें सबसे अलग था ये, तो मैं जाते वक्त ही मैंने तय कर लिया नहीं यार हमें यहाँ पे एक तो शॉट लेना ही है। और पहले मैंने मतलब मैंने अभी अभी से वो यूट्यूब पे भी देखता था, तो किरण गत्ता थे सर का भी सेशन देखा था, तो उन्होंने वो पैटर्न का यूज किया था हाउसेस का वगैरह, तो यार मैंने सोचा यार शायद मेरे पोर्टफोलियो में वो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, और बस वो दिमाग में था गया और वो डायरेक्टली दिखा, तो मैंने सोचा नहीं यहाँ पे तो लेना ही, मतलब जब मैं कपल को लेके जा रहा था ना
तो मेरे साथ जो भी फोटोग्राफर थे तो उन्होंने पहले बताया, यार तू वहां पे क्यों ले रहा है, थोड़ा सा तो जगह दे ना, मतलब वो ब्लर करने के लिए पहले वो जो शुरू हो जाता है फिर, कि यार नहीं हमें बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, फिर वो बैकग्राउंड ब्लर करना है तो कपल अच्छा दिखेगा। नहीं, लेकिन बोला नहीं आप आपका लो, मुझे बस एक दो शॉट लेने दो यहाँ पे। और मैं वहां पे चला गया, और वो जो आप अगर देखते तो वो लीड भी बहुत अच्छे कर रहा है वो पत्ते सब्जेक्ट को। तो यार जी मैंने वो बस प्लेसिंग भी वही पे की, और बाद में उसका पैटर्न और उसका फिर पोजिंग भी देखो तो उसमें वो भाव भी दिख रहा है, तो बस इतना ही, और मजा आ गया उस शूट। मजा आ गया, मजा आ गया। वही आपका उससे पहले वाला भी पिक्चर था, ये बहुत वाइड एंगल है, और वो मतलब कोई सोचता नहीं ऐसा एंगल जनरली कि वो उसके बीच में और उसको एक ब्यूटी क्रिएट कर दे। ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट है, राइट। और इसके पीछे सर अगर सोच बताना चाहूँ तो, हेलो हाँ, प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू हेलो, करो, हाँ कंटिन्यू करो। तो आपने अगर देखा, हाँ बोलो, जो कपल है यहाँ पे तो जो ग्रूम है उसकी हाइट ज्यादा है, और जो ब्राइड है उसकी हाइट कम है, जो कि नॉर्मल हर कपल में रहता है। तो और ग्रूम के साइड का अगर आपने पीछे का हाउस देखा तो वो भी थोड़ा सा ऊपर है उसके, और ब्राइड के साइड का देखा तो वो थोड़ा सा नीचे भी है, राइट। और उसके उसके बाद ये तो चलो कंपोजिशन हो गया, लेकिन उसके पीछे मेरी एक सोच थी कि वो दो घर दिख रहे, राइट, तो वो दो फैमिलीज को एक साथ ला रहे हैं उनके जरिए, तो वो दो राइट फैमिलीज के जो हाउसेस है उसके बीच में उन्हें खड़ा किया है। तो वो सिर्फ एक, वो दो, सिर्फ दो नहीं आ रहे तो वो पूरे फैमिली को जोड़ रहे उस उन दोनों के जरिए। और बाद में वाह वो जो स्काई स्काई वो आ गया, तो उसमें तो वो पहले मूवीज में दिखा देते ना, अगर कोई पैर हो गया तो वो बहुत बिजली कड़केगी और वगैरह, तो वो मैं वही पे सोच रहा था कि यार नहीं हम ये ला सकते यहाँ पे, तो बस ये सोच थी। और इसमें मैंने 35 mm का यूज किया है, जो कि मैं कभी कभी रेंट से भी लेंसेस लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास लेंसेस का ये कम है, तो मैं ज़्यादातर मतलब प्राइम लेंसेस में भी मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो बस इसलिए लिया था उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कल पक्ष ने हेलो, बताई। जी मेरा आवाज़ थोड़ा स्लो आएगा, मतलब कम आए, बाद में आएगा, क्योंकि आपका इंटरनेट स्लो है ना। ओके ओके आ रहा है सर आपका। राइट राइट। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सोच आपने बताई कि वो फोटो सिर्फ दिखा और क्लिक नहीं किया, तो उसके उसमें उसके अंदर एक सोच होनी चाहिए। ज़्यादातर हम लोग फोटो आर्टियो में इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते थे कि कुछ भी ऐसा कर दिया, और ऐसा नहीं है, एक स्टोरी उसमें हो सकती है अगर हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करें और प्रॉपर तरीके से उसके बारे में सोचे। क्योंकि कई सालों से ऐसा हो रहा है कि भाई लगा यहाँ पे, खड़ा कर दिया, फोटो निकाला, लेकिन एक हो सकता है ना, दो घर एक हो रहे हैं और वो बिजली कड़क रही, मतलब वो प्यार का एक वो फिल्मी थोड़ा सा वो रोमांटिक ये भी होता था। बहुत बढ़िया, बहुत आपने खूबसूरती से इसको प्रेजेंट किया। मैं आगे बढ़ता हूँ, ये हमारा पोस्टर इमेज है, और मैं बहुत इम्प्रेस हो गया इस इमेज के साथ कि आपने अमेजिंग, मतलब जिस तरीके से आपने इसको विजुअल किया इस पिक्चर को, और जिस तरीके से आपने इस पिक्चर को क्रिएट किया है, लाजवाब, बहुत बढ़िया। और मैं शाबाशी देता हूँ आपको, इस तरीके से अगर हम लोग काम करेंगे तो क्यों नहीं वर्ल्ड में घूमेंगे। बहुत बढ़िया, बताइए थोड़ा इसके बारे में। ओके, शायद कल्पक जी फिर से जुड़ेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इस पिक्चर के बारे में कि हम फोटो आर्टियो में भी ज़्यादातर, आज मैं फोटो आर्टियो के बारे में इसलिए ज़्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि आज फोटो आर्टियो के स्टूडेंट का टॉक है, और मुझे बताने में, वो शेयर करने में बहुत खुशी मिल रही है। उसका रीज़न ये है कि एक्चुअली हम लोग यहाँ पर उस पर बहुत काम करते हैं, मतलब सिर्फ फ्रेम, मतलब फ्रेमिंग पर बहुत काम करते हैं। कई बार हम लोग होता है भाई कैमरा सेटिंग्स ये वो सब कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ ये फ्रेमिंग्स, उसके कलर स्कीम्स, उसके पैटर्न्स। अभी इस पिक्चर के साथ मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया कल्पक से, कि जो जिस तरीके से सोच रहा है, पैटर्न्स को सोच रहा है,
और जो यूज इस मैच्योरिटी के साथ कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत लिमिटेड इक्विपमेंट्स के साथ कर रहा है। कई बार हमारे मन में वो क्वेश्चन आते हैं कि क्या यूज किया, तो उन्होंने बता दिया कि 2470 और 1855 कल्पक ने फ्यूजी का कैमरा लिया हुआ है। यहाँ पे तो कोई टूल भी मैटर नहीं करता कि आपका कैमरा कौन सा, इसलिए ये फ्रेम बन गया, क्योंकि कैमरा तो ये फ्रेम बना ही नहीं रहा है। कैमरे के पीछे जो कल्पक है उसकी कल्पकता जो है वो कल्पकता की जो ये क्या बोलेंगे इसे कि एक उसकी जो सोच है ये सोच कल्पक सोच है, राइट। और ये इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए आप कौन सा भी गियर यूज कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं आएगा। आपको तो मजा आएगा जब आप उस तरीके से सोचने लगोगे। कल्पक ने जैसे स्टोरी बताया वैसे इसमें भी कल्पक ने कुछ तो सोचा है, क्योंकि ये सेंटर का जो फ्रेमिंग है उसमें कपल आया हुआ है और बाकी जो दो फ्रेमिंग है, मतलब शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये एक फ्रेम है ग्रूम का, लेफ्ट वाला है ब्राइड का, और वो उससे निकल के एक फ्रेम में आ गए, ये नया फ्रेम बन गया उनका कि वो कपल बन गए, राइट। ऐसी सोच हो सकती है फोटोग्राफी में, होती है, और आज हम लोग वो प्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं कल्पक को प्राउडली प्रेजेंट कर रहा हूँ कि एक फोटो आर्टियो का एक प्राउड है यहाँ पर कल्पक, कि इतना खूबसूरत काम कर रहा है एक छोटे से गांव से, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक हम में अंदर रहता है कि नहीं यार हम लोग तो गांव की तरफ है, हमारे पास तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती नहीं है। और पोजिंग में भी कल्पक उतना ही परफेक्शन में काम कर रहा है कि किस तरीके से वहां पर पोजिंग भी करनी है, उसको लाइटिंग क्या करना है। उन्होंने लाइटिंग के लिए बताया कि फ्लैश भी अगर वो यूज कर रहे तो गॉडॉस का 860 फ्लैश का यूज कर रहे हैं, राइट। जब तक कल्पक नहीं जुड़ते तब तक मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा कल का टॉक रहेगा और एक फोटो आर्टियो के होनहार स्टूडेंट महेश पवार का। तो महेश पवार जी बेसिकली ऐसे ही एक बहुत बहुत मतलब फोटो आर्टियो का एक प्राउड जो है वो महेश पवार है, और कल वो जुड़ेंगे 6 बजे शाम को, और महेश पवार का भी काम देखेंगे और महेश का स्टोरी भी जानेंगे हम लोग, क्योंकि महेश का तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं था फोटोग्राफी में, और वो इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं, ये मैं कल आपके साथ 6 बजे शेयर करूँगा। अब कल्पक हमें शेयर करेंगे इस पिक्चर की स्टोरी, क्या सोचा है कल्पक ने? सर जैसे मैंने कहा कि पहले भी मैंने वो पेड़ दिखा था, और बाद में ये ऊपर का मतलब ये इसके ये विंडो है और उसके बाद भी पैसेज है उस पर वो खड़े, और क्या हुआ था ना उनको नीचे जाना था मतलब फोटोग्राफी के लिए, लेकिन वो जस्ट रेडी हो गए थे, और बाद में वो बोले यार नीचे गए तो घर वाले फिर बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, रोका नहीं तो कुछ शॉट्स यहाँ पे ले लो। और मैं जाते वक्त ही वो दिखा था कि यार इसके अंदर से कुछ लिया तो मजा आ सकता है शायद, मतलब मैंने पहले वो पूरा ये भी लिया था उसके विंडो का, तो वो मैंने कट कर दिया बाद में क्योंकि वो पूरा सिमेट्री नहीं था, तो फिर मुझे लगा कि नहीं वो सिमेट्री ना होने की वजह से इतना अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर मैंने वो कट कर दिया और सिर्फ वो रॉड्स रखे। वो मतलब ये पैटर्न जो आ गया उसमें वो एक ब्यूटी क्रिएट कर दिया उसने, और मैंने यहाँ इस साइड से लड़की के पीछे से लाइट का फील भी दिया है उसमें, और बाद में रॉ के वजह से वो फिर वो मैंने उसको एनहांस किया है बाद में, क्योंकि वो स्काई की डिटेलिंग भी उतनी जरूरी थी, और उसके बाद हमें पता है हमारे कैमरे की ताकत की वो उसको कितना एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरा के पूरा रॉ में ही शूट करते हैं, और के गणेश एकेडमी का वो एक फायदा हो गया है कि हमें एक्चुअली हमारे कैमरे की ताकत पता चल गई कि कितने हम अंडर खींच सकते हैं, कितना ओवर खींच सकते हैं, और क्या फोटो का कर सकते हैं, वो पहले से विजुअल करना आ गया फिर, और बस वही। और मतलब इस टाइप की पोजिंग तो मुझे अच्छी लगती है, और जो स्काई की डिटेलिंग अगर आ गई ना तो वो ह्यूजनेस मुझे बहुत पसंद है उसका, उस फ्रेम का, कि यार वो मतलब शायद ओके बहुत बहुत डिस्कनेक्शन चल रहा है वहां पर इंटरनेट के, कोई दिक्कत नहीं। बहुत खूबसूरत कमेंट्स है यहाँ पर, वो कमेंट्स भी मैं लेता हूँ। जैसे राजू सोलंकी सर है वो कह रहे हैं कि दिस इज जस्ट नॉट फोटो मैकेनिक्स बट अ विजन थ्रू फोटोग्राफर्स आई, अ ट्रू विजुअल ट्रीट। क्या बात है सर, क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया।
बहुत ही बढ़िया। देखते हैं अभी कल्पक जब तक जुड़ते हैं फिर से, तब तक मैं आपसे बात करते रहूंगा। आज मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये होता ही रहता है बेसिकली। विवेक कदम सर करे के स्टोरी टेलिंग शूट, हमारे विनोद वाघ सर ने भी बहुत खूब कहा कि कल्पक नाव नसून कल्पक मध्ये कल्पकतापण आहे हे दिसून येते, राइट। अनिल धनुरे सर कह रहे कि बहुत सही कंपोजिंग है। भाऊ साहब सर कह रहे कि नाइस कल्पक। और राजू सोलंकी कह रहे कि अर्लियर इट वॉज कपल ऑल द टाइम, नाउ इट्स द एनवायरमेंटल इमेजिंग विद कपल फॉर स्टोरी टेलिंग। बहुत बढ़िया कल्पक, आगे बढ़ते हम लोग। बहुत डिस्कनेक्शन है आपके, तो शायद वो हाँ इंटरनेट इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये भी पिक्चर है और आपका पिक्चर थोड़ा लो लो कैमरा एंगल आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, और आप लीडिंग लाइंस भी बहुत खूबसूरती से क्रिएट कर रहे हैं। यस सर। एक्चुअली अभी रिसेंटली 1 month हो गया होगा इस शूट को। एक रिसोर्ट में ये शूट था और उनको हमने चलने के लिए कहा था, और कुछ थोड़ा सा एक दूसरे की तरफ देखो, कुछ बातें करो, और जो हवा जो आ रही थी लेफ्ट साइड से वो ब्यूटी बढ़ा रही थी। मतलब जो उसके हेयर्स उसके चेहरे पे आ रहे थे, मतलब ज़्यादातर हमें ऐसा होता है कि वो नहीं ना आए, लेकिन एक्चुअली मुझे लग रहा था कि और वो कुछ तो बता रहे की भावना, तो मुझे वो अच्छा लगा। और बाद में मैंने पहले भी जैसे बोला था कि मुझे वो स्काई दिखाना, वो यूजनेस क्रिएट करना फ्रेम में, वो बहुत पसंद है मुझे। और मुझे क्या लगता है ना, वो रोमांटिक चीज़ें होती है, मतलब उन चाहे उसके उनके दिल की कुछ भावनाएं रहती है, वो दिखाने की कोशिश करते रहता हूँ मैं। और इस मतलब या इस वेडिंग की मुझे एक खासियत बताना चाहता हूँ मैं। जब ये काम हमने लिया था तो मतलब जब मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग के वक्त मतलब लड़की के पापा ने हमें बुलाया था, तो उनको हमने प्रेजेंटेशन दिया कि ऐसा ऐसा हमारा काम है, तो वो तो बहुत खुश हो गए थे। लेकिन लड़की नर्वस थी, लड़की ने वो प्रेजेंटेशन देखा नहीं था, तो लड़की बोली थी मतलब उनके घर वालों के कि यार मतलब नासिक छोड़ के हम कहाँ, वो 50 किलोमीटर दूर गांव में कौन से फोटोग्राफर को लगाने वाले हैं, तो वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। तो और उसने जो भी काम देखा था वो बहुत फास्ट और बहुत कम देखा था, उसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन गया ही नहीं था। और वो होता है ना कि यार हमारी वेडिंग है और घर वाले कौन सा फोटोग्राफर लगाएंगे क्या पता, तो बाद में उसके घर वाले नहीं माने और हमें ही लगाया। तो जब मैं घर आया और मतलब उसको जब बॉन्डिंग हो रही थी हमारी और कपल की, तो उसको तो वो बहुत अच्छा लगा कि नहीं सर्विस तो अच्छी दे रही, लेकिन वो होता है ना कॉन्फिडेंस कि फोटो देखने के बाद ही आता है। तो बाद में मैंने जब ये फोटो एनहांस किए, एडिट किए, और बाद में जो लड़की को भेजे, तो उसका बहुत अच्छा रिप्लाई आया मुझे कि यार मतलब कितना अच्छा है, मतलब हमने सोचा भी नहीं था। और यार क्या तूने दो ही फोटो दो तीन ही फोटोज दिए, यार मुझे तो बहुत देखना है अभी। और वो बहुत ही उसका मतलब मूड ही चेंज हो गया था वो फोटोज देखने के बाद, और बस रिजल्ट आपके सामने। क्या बात है, क्या बात है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। मुझे बताइए अब इसमें क्या स्काई रिप्लेस किया है आपने? नहीं सर नहीं, ओरिजिनल है। मैं एक्चुअली थोड़ा सा अंडर शूट करते रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बाद में अगर स्काई हमें चाहिए तो कपल हमें अंडर हो गए तो बाद में हम एनहांस कर सकते, तो वो विजुअलाइजेशन पहले ही रहता है। मतलब आपने अगर ओरिजिनल पिक्स देखे तो बहुत ब्लैक और बहुत मतलब फ्लैट लगते, मतलब जब मैं निकल रहा था और मेरे अंकल को दिखा रहा था कि यार तू क्या निकल रहा है, ऐसे बोल रहे थे, तो रुको मुझे पता है इसका क्या होने वाला है, और बस बाद में वो मजा आ गया फिर। बहुत बढ़िया। ये भी उसी कपल का पिक्चर है, और इसमें भी वो क्लाउड्स है, वो भी मजा ला रहे। कल्पक आपको आवाज आ रहा है? ये नेक्स्ट पिक्चर है, वही कपल का है। यस
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस तरीके से आप उसको फ्रेमिंग कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं और वो इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत लाजवाब है। और ये सब आप कर रहे हैं एक लिमिटेड जहाँ पर इक्विपमेंट्स में, यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर इक्विपमेंट की बात भी नहीं कर रहे आज, लेकिन आप पोस्ट प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग प्लानिंग कर लेते हैं कि आपको क्या एक्सपोजर रखना है। रॉ पिक्चर्स पर ही, मतलब रॉ फॉर्मेट पर ही आप शूट कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और जहाँ पर आपने के गणेश एकेडमी में फोटोशॉप का एजुकेशन लिया, उसका बहुत आपको फायदा हो रहा है कि किस तरीके से उसको पिक्चर को ट्रीट करना है, किस तरीके से उसको पोस्ट प्रोसेस करना है। बहुत इंटरेस्टिंग लगभग, और बहुत मजा आ रहा है ये सब पिक्चर देखते हुए। और ये भी एक ब्राइडल पोर्ट्रेट है, काफी खूबसूरत है, मतलब जिस तरीके से आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, कलर स्कीम वाइज भी काफी इंटरेस्टिंग है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कल्पक, और ये कुछ मुझे एक अलग ही इंटरेस्टिंग पिक्चर्स लगे। उसकी जो फ्रेमिंग चाहिए भी काफी इंटरेस्टिंग है, कुछ अलग है, राइट? मतलब ऐसा नहीं कि एक नॉर्मल नॉर्मल सी सोच है। तो मुझे बताइए, इस तरीके से जब आप कपल शूट करते हैं और जब आप कपल को ये पिक्चर दिखाते हैं, क्या क्या उनका रिप्लाई होता है? क्योंकि मैंने तो अभी रिप्लाई आपने बताया उस ब्राइड का, लेकिन अब ये तो बहुत ज्यादा पैटर्न फोटोग्राफी हो गया, और फोटोग्राफियों में हम लोग इस तरीके के बहुत पैटर्न फोटोग्राफी की है, स्टूडियो में की है। हम लोग अलग अलग वो जाली लगा कर करते थे, उससे लाइट देते थे, बहुत बहुत हम लोगों ने पैटर्न फोटोग्राफी की है, लेकिन आप वेडिंग में कर रहे हैं, तो क्या एक्सपीरियंस है आपका? एक्चुअली जो ऐसे जो शॉट्स रहे थे वो मतलब होता है ना कि यार कुछ रेगुलर शॉट्स रहे थे वो खींचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि कपल की भी नॉर्मल फोटोज भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने कि ये है। तो लेकिन मैं जब भी लॉन्स में एंटर करता हूँ और शेडो और लाइट का प्ले दिखा तो बस यार एक तो फोटो लेना है, वो फिर चालू रह जाता है। मतलब यहाँ पे कितना भी शूट चलते रहो लेकिन यार कब वहाँ पे लेके जाएंगे, कब लेके जाएंगे, क्योंकि लाइट का भी सोचना रहता है। वो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है तो लाइट का डायरेक्शन भी चेंज होते रहता है। और तो फिर बस मैं ज़्यादा पोर्ट्रेट नहीं लेते रहता, मतलब मुझे 15-20 पोर्ट्रेट नॉर्मल मिल गए तो मैं तभी लगे वहाँ पे लेके जाता हूँ कि नहीं हमें एक तो पोर्ट्रेट हर वेडिंग में ऐसे लेना है। मतलब हर वेडिंग में कोशिश करता हूँ कि यार एक तो पोर्ट्रेट ऐसा यूनिक मिलना चाहिए जिससे हम प्रेजेंट कर सकते और यूनिकनेस हमारे एल्बम में हो या उनके फोटोज में हो वो ला सके। तो बस एक यहाँ पे मतलब एक गेट है सामने और गेट बड़ा बड़ा गेट है वो, तो उसके ऊपर से वो लाइन्स आ रहे थे, तो बस वो दिखे कपल को लेके गए वहाँ पे। और मुझे लगता है ये शेडो और लाइट है ना वो फोटो को बहुत मीनिंगफुल बनाते हैं बाद में, कि यार मतलब जब हम आंखें बंद करने के लिए कहते हैं तो उनके दिल का भाव जो कि वो दिख नहीं रहा, मतलब क्या बोल सकते हैं उसे, वो बोल नहीं रहे लेकिन उनके कंपोजिशंस के कलर्स के या लाइटिंग के थ्रू हम बताने की कोशिश कर रहे हैं यार नहीं हम अब एक हो रहे। और मुझे और एक अच्छी बात लगती है शेडो और लाइट की, कि यार वो होता है ना कि मतलब लाइट में तो हर कुछ दिखता है, शेडोज में कुछ दिखता नहीं, लेकिन जो जो सैड थिंग्स है, जो प्रॉब्लम्स है, तो उसमें तू मेरा लाइट रे, मतलब क्या बोल सकते उसे कि तू मेरे खुशी। साथ ही रे, खुशियाँ। और वो खुशियाँ सैडनेस वो प्ले दिखता है उस लाइटिंग में। और जब ये एक्सप्लेन भी मैं जब कपल को करता हूँ उनको अलग ही फीलिंग रहती, फिर यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, और ये बताने के बाद उसकी ब्यूटी और बढ़ जाती है सर। और नो डाउट दिखने के बाद यूनिकनेस तो दिखता ही, लेकिन बताने के बाद उसकी ब्यूटी और बढ़ जाती है। क्या बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें आप बता रहे हैं यहाँ पर, और मुझे ये खुशी है कि ये बातें ही हम लोग बहुत बार डिस्कस करते थे कि लाइट क्या दर्शाती है, राइट? मतलब एक शैडो पार्ट क्या दर्शाता है, लाइट क्या दर्शाती है, ये बहुत हम लोगों ने डिस्कस किया है। और आप मुझे आज मुझे इतना खुशी मिल रहा है कि ये सब आप सोचकर काम कर रहे हैं, मतलब मेरे लिए बहुत, मैं एक अलग प्राउड महसूस कर रहा हूँ। कि कई बार ऐसे होता है कि ये सब चीज़ें मैं भी बताते रहता हूँ सबको, अपने स्टूडेंट को, हर हम इमेज क्रिटिक्स करते हैं हमेशा, कि इमेजेस ओपन करके बहुत डिस्कशन करते हैं,
लेकिन क्या आप उसको अप्लाई कर रहे हैं क्या नहीं, और इसलिए मैं आपके प्रोफाइल से ज़्यादा इम्प्रेस होते रहता हूँ कि वो आप अप्लाई करते हैं और वो अलग है, मतलब वो कॉमन नहीं है, राइट? क्योंकि बाकी कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर। ये सबसे एक इम्पोर्टेंट है बात। मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ पिक्चर्स और भी है, जैसे ये पिक्चर भी एक वाइड एंगल है और उसके साथ ये भी है, ये दो पिक्चर्स है एक्चुअली, और वो उतनी खूबसूरत है, मतलब जो हम क्लोज शॉट्स लेते हैं उतनी खूबसूरत ये है। मैं क्लोज शॉट्स भी कुछ दिखाने वाला हूँ, ये क्या शूट है, कैसा स्टोरी है और क्या प्लानिंग किया आपने यहाँ पर, कौन सा लाइट यूज़ किया, कौन सा कैमरा यूज़ किया, थोड़ा बताइए। ओके आई थिंक सो कल तक है आप। ओके बताइए। ओके तो एक मैटरनिटी शूट है, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। तो ये मेरे मामा ही है और ये मेरी मामी, तो उनका मतलब जब वो प्रेग्नेंट थे तो उनसे बातचीत होती रहती थी कि यार हमें शूट करना है, और उनको रेगुलर चाहिए था, मतलब उसको उनको ऐसा नहीं चाहिए था कि यार बहुत अलग से करना, उनकी वो सोच नहीं थी। लेकिन यार बोला थी कि अपना घर का मामला है तो आप यहाँ पे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं मतलब शूट के पहले दिन शायद कल्पक डिस्कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है हम थोड़ा इंतज़ार करते हैं अगर वो ज्वाइन होते हैं। और मैं आप सभी को मतलब कल्पक का थोड़ा प्रोफाइल भी दिखाना चाहूँगा फेसबुक पे, जिस तरीके से कल्पक अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। और कई ऐसे मैंने मतलब सुने बातें कि ऐसा होता है ना कि हमें अप्रिसिएशन मतलब मिलता है, कल्पक को बहुत अप्रिसिएशन मिलता है, तो कभी कभी ब्राइड साइड अगर वो शूट कर रहे हैं तो ग्रूम साइड के भी घर से फोन आ जाता है कि बहुत अच्छा काम किया, राइट? तो थोड़ा इंतजार करेंगे कल्पक जी का, तब तक मैं कल्पक के फोटो के बारे में और कुछ पिक्चर्स भी दिखाना चाहूंगा, ताकि जब तक वो जुड़े हमसे तब तक हम उसका इंतजार करते करते कुछ पिक्चर्स भी देखेंगे। वाइड एंगल फोटोग्राफी में एक्चुअली क्या होता है कि हमें जो सब्जेक्ट होता है हमारा उसी के अकॉर्डिंग उसके आसपास जो एरिया है, मतलब जो हम लोग एम्बियंस बोलते हैं, उस एम्बियंस का भी बहुत सोच समझ के यूज करना होता है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है ये थॉट्स, कि क्या सोच रखनी है, राइट? किसी भी पिक्चर को अगर हम लोग बनाना चाहेंगे तो उसके पीछे क्या सोच है, मतलब ऐसे लगा और क्लिक कर दिया तो वो यूनिक पिक्चर नहीं बनेगा। इसलिए आज हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आज हम लोग सोच को प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कल्पक के सोच को प्रेजेंट कर रहे हैं। कल्पक प्लीज। तो मैंने जैसे बताया कि मामा और मामी है, तो उनके यहाँ पे मैं स्टे किया था। मतलब मैंने सोचा कि यार सुबह जाने से अच्छा तो ही चलो सुबह उठ के फिर जल्दी चले जाएंगे। और उस शूट के लिए मैं मतलब लगभग 5 बजे रेडी था, यार हमें बहुत जल्दी जाना है। और वो मैंने बहुत सारी प्लानिंग की थी कि वो रेज लेना, वो रिम लाइट लेना, और जगह भी पता थी कि क्या कर सकते हैं। तो मैं 5 बजे रेडी था, लेकिन घर का मामला था, 6:30 बजे उठ गए सभी बाकी। और जैसे जैसे वो वक्त गुजरता गया वो लाइट चला गया। ठीक है चलो, अब बार बार तो नहीं आ सकते, अब जो करना है आज ही करना है। तो वहाँ पे एक नासिक में सोमेश्वर करके जगह है, तो वहाँ पे मैं गया था। और पहले जाने के बाद जब सबने देखा यार यहाँ पे कितने पैचेस है, सब बोल रहे थे कि यार तू यहाँ पे क्यों लेके आ रहा है, क्योंकि वो पूरा वो दोपहर का समय है और बहुत हार्श लाइट है। आप देख सकते हो वो जो शेडोज आ रहे हैं उनके आंखों के नीचे, कि वो बहुत हार्श लाइट है वहाँ पे। और उनको बोला नहीं हमें यहाँ पे ही करना है, तो गया। और वो बहुत घना था वो, तो इसकी वजह से वो डेप भी, जो शैलो डेप क्रिएट हुई वो भी बहुत ब्यूटी बढ़ा रही पिक्चर की। और इसमें सर मैंने कोई भी लाइट नहीं यूज किया है, बस वो पेड़ के बीच में से जो लाइट आता है उसका यूज किया है। और बाद में कुछ एनहांसमेंट में कुछ करेक्शंस किए, जो कि ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ वही पे लाइट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जनरली वही मजा है कि
किस तरीके से यूज करते हैं हम लोग उस चीज को, राइट। और आपने प्रॉपर यूज किया है, और ये थोड़ा सा अलग है एक्चुअली, ये कॉमन फोटोग्राफी है ही नहीं। हम लोग पहले से बोलते आ रहे हैं कि ये जो सबको मतलब अरे हाँ बहुत बढ़िया ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अलग सोच है, और धीरे धीरे इसको और एक अलग तरीके से डिमांड आएगा। हर पिक्चर को अगर देखें हम लोग तो उसके पैटर्न क्रिएट किए गए। और मुझे ये भी एक्चुअली, जैसे हम लोग ने वेडिंग के भी पिक्चर देखे तो वो भी उसी तरीके से सोचे थे। अब मैं एक्चुअली कुछ क्लोज शॉट्स दिखाता हूँ, जैसे ये क्लोज शॉट है, ज्यादा कुछ मतलब क्लोज शॉट्स दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके पास है ही। लेकिन एक शॉट दिखाता हूँ, उसको भी आपने बहुत सुपर्बली कंपोज किया है और बहुत सुपर्बली उसको पोज भी किया है। कल तक आप हमारे साथ हैं? ओके, कल्पक फिर से डिसकनेक्ट हो गए हैं, और आप सभी की बहुत सी कमेंट भी आ रही है यहाँ पर, तो मैं वो कमेंट्स को भी जरूर पढ़ते जाऊंगा बीच बीच में। और बस सीखना है हमें, सीखने के लिए ये सब कर रहे हैं कि आप जो बताएंगे सभी उससे सीखेंगे हम लोग। श्याम ठाकुर सर कर रहे हैं कि नाइस फोटोशूट, श्रीनाथ जी कह रहे हैं कि ब्यूटीफुल सर जी, दीप्ति जी कह रहे हैं कि नाइस फोटोशूट, और जैसे हमारे विवेक कदम सर है वो कह रहे हैं कि डियर कल्पक, वन सजेशन फॉर यू, योर वर्क इज सो ब्यूटीफुल बट यू यूज रूल ऑफ थर्ड कंपोजिशन, आफ्टर देन योर पिक्स मोर वैल्यूएबल। तो कल्पक क्या सोचते हो आप इस कमेंट पे, क्या सोचते हो? नो डाउट सर, हमें वो रूल्स आप ही के यहाँ पे सिखाए गए थे। मतलब मैं हर पिक्चर में ट्राई करता हूँ कि पूरा अलाइनमेंट अच्छा रहे। जो मतलब ये होते हैं लाइंस रहते हैं, वो अगर स्ट्रेट हो तो स्ट्रेट ही आए, क्रॉस हो तो क्रॉस ही आए। कंपोजिशन में ऐसा नहीं लगे कि वाइड भी शॉट ले रहे तो वो मतलब नीचे का एरिया बहुत बड़ा दिख रहा है, या फिर वो लेंस डिस्टोर्शन आता है बहुत बार। तो मैं बहुत ट्राई करते रहता हूँ जो मतलब नहीं, मैं यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली रूल ऑफ थर्ड के बारे में कुछ कुछ अलग सोच है। कभी कभी क्या होता है कि हर किसी को लगता है कि वो सिक्स बॉक्स बनाए और उसमें जो जो गोल्डन पॉइंट आता है उस पे आना चाहिए सब्जेक्ट। रूल ऑफ थर्ड वो नहीं कहता, रूल ऑफ थर्ड ये कहता है कि क्या हम थर्ड पार्ट में भी हमारे सब्जेक्ट को ले रहे हैं क्या। कई बार हम, क्योंकि ये थोड़ा सा कभी कभी लगता है सबको कि भाई वो सिर्फ वो गोल्डन पॉइंट पे आ गए तो रूल ऑफ थर्ड आ गया, वो तो ऐसा है नहीं। रूल ऑफ थर्ड ये भी होता है उसमें कि आप तीन पार्ट में अगर पिक्चर को डिवाइड करते हैं तो उसके उसमें का जो थर्ड पार्ट होता है उसमें भी अगर आप आपका सब्जेक्ट लेते हो तो भी आप वो खूबसूरती को पकड़ते हैं। दूसरी चीज़ की कई कई बार ऐसा होता है कि सेंटर अलाइन अगर कर दे हम लोग, सेंटर प्लेसिंग अगर कर दे सब्जेक्ट को, तो उसकी ब्यूटी ओपन हो जाती है। मतलब ब्यूटी ब्यूटी होती है, उसके लिए कोई रूल नहीं है। और कंपोजिशन कंपोजिशन होता है, उसके लिए आप क्या मजा दे सकते हो उसमें। लेकिन विवेक कदम सर का जो कहना है वो जरूर कल्पक जी फॉलो कीजिए, शायद कुछ ऐसे पिक्चर में उन्हें लगा रहेगा। और इसी के लिए ये टॉक है कि आपका गाइडेंस हमें मिलते रहे, हमें सीखना है बहुत कुछ, आगे बढ़ते हम लोग कल्पक आगे बढ़ते। जैसे हाँ ये सर, पिक्चर, हाँ हम ये पिक्चर मैं दिखा रहा था, एक्चुअली मैंने तो अभी बहुत क्लोज कर लिया इसको, लेकिन आप क्लोज शॉट में भी बहुत मजा आ रहा है, एक अलग पोजिंग कर रहे हैं आप, कॉमन पोजिंग नहीं है। यस सर, जैसे कि मैंने आपने आपको पहले इसके बारे में बताया था कि ये शूट था, इसके बाद मैंने वो शेडो लाइट का प्ले ज़्यादा बढ़ा दिया कि यार नहीं, हमें एप्रिसिएशन मिल रहा है, चलो इसमें मज़ा लाते हैं कुछ। और ये मतलब घर में थे हम, मतलब उनका जो बंगलो था तो वहाँ पे गए, उनको पहले ही बताया था हमें बाहर जाके फोटोज नहीं निकालने, हम घर नहीं करते। मेरे पास 8400 था और उसमें एक 4x4 का स्क्वायर था मेरे पास, तो वो लेके गया। और उनको, और सबसे बढ़िया अगर मेरे मतलब ये बात बताना चाहता हूँ मैं कि उनको पहले समझाया मैंने, मतलब फोटो खींचने के पहले 10 मिनट हमने कम से कम बात की होंगी कि हमें क्या करना है एक्चुअली, तो वो कंफर्ट में आ गए। बाद में उनको पता है कि यार थोड़ा सा अलग करते, थोड़ा ग्लैमर लाने की कोशिश करते, थोड़ा सा आपके इमोशंस दिखाने की कोशिश करते, क्योंकि आपने पहले भी शूट किया है, नॉर्मल पिक्चर आपके पास ऑलरेडी है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें यहाँ पे अभी वैसा ही करना है, हम थोड़ा सा अलग करते। फिर मैंने उन्हीं के घर में एक छोटा सा सेटअप क्रिएट किया और उसके बाद ये फोटोज़ ली।
कंपोजिशंस भी आप देख रहे होंगे, और वो जो मतलब लेडी है तो वो बहुत अच्छे से उसका मतलब हम बोलते हैं ना कि यार जो बताया उनको इमीडिएटली समझ में आ गया कि यार नहीं इसे अच्छा ऐसा करना है, तो वो बहुत अच्छी तरह से कॉपरेट भी कर रहे थे। और मुझे सबसे बढ़िया बात ऐसी लगी कि तब तक मैं भी ये सोचता कि यार हमारे यहाँ पे वो काम नहीं है और बस मैं फोटोज देखते रहता था, लेकिन सर जो 10 मिनट मैंने वो जो टॉक किया होगा उनके साथ तो उससे मतलब बहुत चेंजेस आ गए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे भी वो फोटो लगते लेकिन हम देने के लिए तैयार नहीं, हम पूछने के लिए भी तैयार नहीं। तो जैसे मैंने बोला और उन्होंने कोऑपरेट किया और जो पहला ही पिक्चर उनको दिखाया तो यार बस वो मतलब एक समय ऐसा आ गया था कि उनको मैंने कुछ भी बोलो तो वो करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनको उतना महत्व उसका समझ आ रहा था कि नहीं यार ये जो कर रहा है वो सही कर रहा है और ये अलग भी दे रहा है, मीनिंगफुल भी दे रहा है, तो हमें जो ये बोल रहा है हमें वो बस करना है। तो और वो जितना क्लोज चाहे उतना आने के लिए तैयार हो गए थे बाद में। बहुत बढ़िया, और एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो फोटोज है मतलब क्लोज शॉट्स हमें या मतलब हमारे जो ये है स्टोरीज बाय जोसेफ राधिक, तो उनको मैं बहुत फॉलो करते आ रहा था और उनको देख रहा था कि यार मतलब कुछ अलग से वो रेड लाइट येलो लाइट पीला मतलब नीला लाइट ऐसा करके फिर वही पिक्चर वाव लगे, ऐसा नहीं वो नॉर्मल शॉट में भी उतना ही मजा ला रहे सर। उनसे वो बहुत प्रभावित हुआ कि यार नहीं मतलब ऐसा नहीं कि हमने बहुत मतलब वाइडी शॉट लिया या फिर बहुत इलेमेंट्स या प्रॉप्स ऐड किए तो ही अच्छा पिक्चर आएगा। अगर वो ब्यूटी हमें पता चली पोर्ट्रेट की कि हम क्या कर सकते हैं, उनकी भावनाएं कैसे प्रेजेंट कर सकते, तो नॉर्मल शॉट में भी बहुत मजा ला सकते। क्या बात। और बस देखिए बस एक बहुत स्ट्रांग कंपोजिशन है, बहुत क्लोज कंपोजिशन से तभी भी उतना ही मजा ला रहा है वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोगों ने कल्पक का सोच पिक्चर के द्वारा देखा और उनसे सुना भी, और प्री वेडिंग फोटोग्राफी रहेगा या फिर वेडिंग फोटोग्राफी रहेगा। आज हम लोगों ने ज़्यादातर कपल शूट ही प्रेजेंट किए और आगे मैं दिखाऊंगा, एंड में दिखाऊंगा कि कल्पक मोमेंट्स कैसे कैप्चर कर रहे हैं और ग्रुप्स को कैसे कैप्चर कर रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में क्या मजा ला रहे हैं, राइट। तो वो भी मैं लास्ट में दिखाऊंगा। अब मुझे जाना है कि कपल जैसे ये शूट करते करते कि कल्पक कुछ इंडोर शूट्स भी कर रहे हैं, कुछ जैसे पोर्टफोलियो भी बना रहे हैं, राइट। तो एक पोर्टफोलियो का मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ शूट कल्पक का, कि जैसे जिस तरीके से वो उनके एरिया में इस तरीके का भी काम कर रहे हैं कि ये भी पोर्ट्रेट्स बहुत ही बढ़िया आप शूट कर रहे कल्पक, राइट। तो ये कैसा अभी आप वर्कआउट कर रहे हैं और आप क्या क्या फोटोग्राफी में और आगे लेके आ रहे हैं, जैसे किड्स फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, आज वो भी फोटो दिखाऊंगा मैं आपको, फैमिली शूट्स भी दिखाऊंगा, लेकिन ये जो पोर्टफोलियोज है ये किस लिए शूट किया था और आपका ये जो मजा है आपने जिस तरीके से इसको शूट किया काफी खूबसूरत शूट है ये। थैंक यू। तो सर एक कोलैबोरेशन शूट था, मतलब यही पे लासलगांव में एक राम नाइक करके एक मेकअप आर्टिस्ट थे, तो उनके साथ मतलब उन्होंने सुना था कि यार कल्पक वॉक करके है, वो काका को भी पहचानते थे कि यार वो अच्छा कर रहा है और उनको उनका पोर्टफोलियो जनरेट करना था, तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था और मुझे लगा कि यार हमें भी ज़रूरत है क्योंकि हमारे प्रोफाइल में भी ऐसा कुछ दिखना चाहिए। मतलब जब उन्होंने पूछा कि फ़ोटो निकालने तो उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, उनको सिर्फ इतना पता था कि यार ये अच्छा करने वाला है और जो नॉर्मल है वो करने के लिए वो भी मतलब उनको पता ही नहीं था वो कैसे बोलते ना कि ये करना है। लेकिन एक हमारी मीटिंग हुई, उनको बताया कि यार नॉर्मल तो करना नहीं है हमें, क्योंकि नॉर्मल करना चाहता तो मैं कोलैबोरेशन करता ही नहीं बोला, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वो काम बहुत है, मुझे अगर कोलैबोरेशन करना है तो मुझे भी कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए यार कुछ अलग दे रहा है। तो बाद में मैंने वो भी मान गए कि नहीं हमें भी अलग मिल सकता है, तो फिर हमने मॉडल डिसाइड किया कि कौन सी चाहिए, बाद में उसका मेकअप हो गया, उसका ड्रेसिंग भी चूज़ किया, उसकी ज्वेलरीज भी चूज़ की थी हमने, और बाद में इसमें सर मैंने 8600 लाया था दोस्त का था, और उसके पीछे जो रिम लाइट थे
तो वो 860 की लाइट है सर, उसको मैंने ब्यूटी डिश लगाई थी जो एज लाइट पीछे की जो क्या होती है। वन। यस सर, हेलो। ओके 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 okay. और जो बैकग्राउंड है, बस घर की वॉल है सर, ब्लू वॉल है, उसको एडिटिंग में थोड़ा सा ग्रीनिश टच दिया है, मुझे थोड़ा सा फॉरेन का टच चाहिए था इसलिए। और बस जब इसका एडिटिंग वगैरह सब कुछ हो गया तो जब मैंने सेंड किया तो बस सिर्फ वाव था। और आपको भी ओ सेंड किया था मैंने, तो आपने भी बोला था कि यार नहीं बहुत अच्छा कर रहा है। और आपको इस शूट के पहले भी मैंने कांटेक्ट किया था एक्चुअली आपको कि यार हाँ, हम ऐसा बात कर रहे थे। ऐसा हमें इंक्वायरी आई, कोलेब्रेशन करना है मुझे, कुछ अलग करने की सोच रहे, तो आपने भी बहुत अच्छा गाइडेंस किया था। बाद में मैंने भी सोचा नहीं हमें रेगुलर तो करना है ही नहीं इसमें, क्योंकि यही चांस है। अगर हम जो भी कमर्शियल शूट्स करते हैं सर, हमें क्लाइंट के हिसाब से काम करना होता है, लेकिन अब कोलेब्रेशन करना है तो खुद के लिए भी करना है, तो यहाँ पे हम ओपन माइंडेड हो जाते हैं कि नहीं हमें जो चाहिए वही अब करना है, और बस रिजल्ट सामने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और रिजल्ट सामने है, हम सब देख पा रहे हैं उसे, उस रिजल्ट को हम लोग देख पा रहे हैं। और मजा आता है कि ऐसे करते रहना चाहिए ताकि हम भी अपने आप कुछ एक सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं। जैसे ये एक पिक्चर है, अब वो तो तीन हो गए, ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया, मतलब कुछ अलग है। एक तो आप बहुत लो लाइट किए हैं, और एक मतलब जो लो की फोटोग्राफी बोलते हैं हम लोग उस तरीके से, और आपने फेस को उसको उनको जो पोज वगैरह किया काफ़ी खूबसूरत है ये। मतलब ये भी आपका वही है, मतलब जिस तरीके से आपने कोलेब्रेशन शूट किया वैसा ही है, या फिर ये पोर्ट्रेट आपने, और यहाँ पे क्या क्या लाइट्स यूज किया, यहाँ पर किस तरीके से। नहीं सर, सर ये मेरा भाई है जिसका आशीष वाघ करके नाम है, तो ये बस नासिक से घर आया था, मतलब वो वेकेशन पे था, वीकेंड पे, तो वो आया और वो बोल रहा था कि यार मुझे शूट्स करना है। ठीक है चलो कुछ तो करते हैं नया, और आपका बैकड्रॉप भी नया नया आया था तो अच्छा हाँ, ये कैनवास है वो क्या। हाँ आपका कैनवास है पीछे, वो ओके उसका ओके टेक्सचर दिख रहा होगा आपको, वो बारीक सा टेक्सचर लिया है, बहुत ज्यादा भी नहीं लिया लेकिन वो फील क्रिएट कर रहा है पीछे से, तो कुछ तो करना है। और वो भी था उसके पास, ये जो है ब्लेजर वो भी था, और वो कैनवास को इतना रिच फील दे रहा है ना वो, मतलब अगर नॉर्मल ब्लेजर गए गए लेकर तो उतना वो कैनवास पे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो ये ट्रेडिशनल टाइप जो ब्लेजर्स रहते हैं ना तो उस पे बहुत अच्छे लगते, रॉयल। और बाद में यस रॉयल फील देते वो। और इसका मतलब इसको मैंने पहले ही बताया था कि तू स्माइल नहीं करेगा क्योंकि अच्छा मतलब बचपन, हाँ वो उसको बचपन से देखते आ रहा हूँ ना मैं, तो वो स्माइल कम करता है और थोड़ा सा एटीट्यूड में रहता है, मतलब क्या उसका स्वभाव है वो कि थोड़ा सा चिढ़ना वगैरह, और वो मतलब मैंने सोचा नहीं वो खूबसूरती है तेरी, वो मुझे इसमें लानी है अगर, तो मैंने बस देखा वो इसको, मैंने 50 mm यूज किया था इसको, और अपना 5D Mark III था इसको, मैंने 8400 करके एक लाइट लिया था, एक की लाइट था, और उसको 4x4 का स्क्वायर था, और पीछे से मैंने जो ये होता है अपना रिफ्लेक्टर, जो वाइट रिफ्लेक्टर रहता है, तो उससे थोड़ा सा लाइट रिफ्लेक्ट किया है उससे, तो उसने वो थोड़ा सा एज लाइट क्रिएट किया, आपने अगर देखा तो राइट साइड में वो थोड़ा सा लाइट आ रहा है और हाँ वो बस ब्यूटी बढ़ा रहा है। और 50 mm की वजह से वो भले वो नीचे से शॉट लिया है लेकिन वो डिस्टॉर्शन लग नहीं रहा उसमें, और थोड़ा बहुत था तो आपने अगर देखा तो नीचे से थोड़ा सा मैंने विगनेट दिया है उसको, तो वो जी जी डिस्टॉर्शन चला जा रहा है उससे। राइट 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 बहुत बढ़िया। बहुत, अरे लाइट लाइट कंट्रोल करना भी बहुत ये हो जाता है, और एक रॉयल पिक्चर बन गया है, रॉयल पोर्ट्रेट भी लग रहा है एक। और ये कल्पक, मैं आपको एक मतलब दिल से कहना चाहूँगा कि आप पोर्ट्रेट्स का जो आपका इस तरीके का ये जो काम है ना, तो ये आप कंटिन्यू कीजिए। मतलब आप, मैं तो ये कहूँगा कि आप अगर अगर आपको शूट नहीं है ना, तो आप जैसे ये आपके भाई का शूट किया, वैसे हर एक को लेके आप उतना करते रहिए, क्योंकि आपका बहुत अच्छा काम है उसमें, और आप और नेक्स्ट 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 लेवल पे उसमें और जा सकते हैं, राइट। सो इसको छोड़ना नहीं है, इसको कंटिन्यू करना है, इसको लगाए रखना है, और ये आपकी खासियत है। फिर मैं अभी बढ़ता हूँ आगे, थोड़ा एक हम लोग खुश हो जाते हैं अभी ये सब देख के कि बेबी शूट्स, तो ये भी आप अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं। और आपका जैसे आपने बताया कि रानवड़ में, मतलब बहुत बड़ा गांव नहीं है आपका, मतलब
एक छोटा छोटा सा गांव है, बहुत भी बड़ा नहीं। कैसे अपॉर्चुनिटी मिल गया अभी इस तरीके के शूट्स की? सर एक्चुअली मतलब ये लासी गांव करके, तो शंतनु पाटिल उनका नाम है, मतलब बहुत बड़ा नाम है उनका यहाँ इस रीजन में। तो उनकी शादी का काम मेरे काका ने किया था पहले, तो उनका और काका का कांटेक्ट था पहले से। और बाद में जब इसका फर्स्ट बर्थडे आ रहा था, मतलब ये लॉकडाउन का ही शूट है, तो उन्होंने सोचा था कि नहीं हमारा फर्स्ट बर्थडे तो हम शूट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो अलग करना है। और फिर इस शूट के पहले भी आपसे मैंने बात की थी, आपको याद होगा कि आपको बोलो ओके शायद कल्पक जी फिर से जुड़ेंगे हमें जल्दी। हमारा बात होते रहता है, मतलब कल्पक जी को अगर शूट करना है और मतलब हमारा स्टूडेंट का बॉन्डिंग ही ऐसा रहता है, ये लाइफ टाइम बॉन्डिंग है कि ये हर शूट में कई सारे स्टूडेंट्स हम लोग बात करते रहते हैं, मतलब जो जुड़े कि जिनको लगता है कि अरे डिस्कशन करके हम लोग शूट करना चाहिए, तो ऐसे स्टूडेंट्स हमारे साथ मेरे साथ बात करते रहते हैं पर्सनली। कुछ अगर मैडम के अकॉर्डिंग, प्रियदर्शनी के अकॉर्डिंग कुछ रहे तो वो भी गाइड करती रहती है, और हम हर स्टूडेंट को यही कहते हैं कि आपके अंदर जो है ना वो हम लोगों को दिखता है, उसे कंटिन्यू कीजिए, उसे छोड़ना नहीं है। और ये तो शुरुआत है ये सब की, मतलब बहुत अभी ये तो सब अभी एक साल से दो साल से कर रहे हैं, तो आगे तो बहुत बढ़ना है, इतना एक्सपीरियंस फोटोग्राफर है हमारे पास, राइट? लेकिन हम आगे बढ़ते रहेंगे। जस्ट मिनट, कल्पक जी जुड़ रहे हैं यहाँ पर। हाँ कल्पक जी जुड़े हैं यहाँ पर। यस कल्पक, यस सर। हाँ तो आपको आवाज आ रहा है मेरा? हेलो, हाँ ये तो आवाज आ रहा है। अच्छा, तो इस शूट के पहले भी आपसे मैंने फोन पे बात किया था, सर ऐसा ऐसा आ रहा है और कुछ नॉर्मल तो करना नहीं है, तो आपने बोला था मतलब तो थोड़ा सा प्रिपेयर करो, जैसे फोटोग्राफी में हमारे जो ये रहते प्रिपरेशंस रहते थे कि कुछ शूट्स के पहले क्या करना है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि शूट आया कैमरा निकाला और चल पड़े। तो मैंने मतलब पहले मतलब मेरी टीम बैठती थी और मैंने एक व्हाइट बोर्ड भी लिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार एक एक चीज़ें ड्रॉ करना और उसको नाम देना, फिर क्या कौन सी चीज़ें हमें शूट के लिए ज़रूरी है वो लाना, बाद में शॉट्स कितने लेने हैं, तो पहले डिसाइड कर लेता हूँ वहाँ पे जाके वक्त ना जाए, क्योंकि हमें कौन सा शॉट लेना है, कौन सी थीम लेनी है और क्या क्या करना है, तो पहले पूरा डिसाइड किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जाके फिर वक्त नहीं जाता फिर। और इस शूट में अगर हमने देखा तो कुछ भी नहीं है सर, सिर्फ एक वाइट बैकड्रॉप है और एक AD600 का लाइट है, और पीछे से मैंने एक AD400 उसको सिंक किया था एक नॉर्मल फील क्रिएट करने के लिए, और बस सर उतना ही है। वो फील भी लाइट मैंने बहुत बार यूज़ नहीं किया इसमें पे, मैंने यूज भी नहीं किया इसमें तो, लेकिन वो सिंक करते रहता था मैं। और इसमें देखा तो सब घर का सामान है सर, मतलब एक वो पीट है, बाद में वो कैप सिर्फ मैंने लाई थी आटा, तो कैप मैंने लाई थी सिर्फ क्योंकि उसको शेप का कुछ तो करना है, उनको पहले ही बताया था कि हमें मैंने उनको बहुत सारे थीम्स भेजे थे, और लॉकडाउन की वजह से मतलब वो बहुत कुछ अवेलेबल भी नहीं हो रहा था, मैंने सोचा ठीक है जो है उसमें करते। फिर उन्होंने वो फ्रूट्स लाए थे, तो वो फ्रूट्स भी नए लाए थे क्योंकि वो पॉश दिखने चाहिए थे, और ड्रेस भी चूज किया था हमने कि वो रेड कलर और वाइट कलर, बाद में उसको कैप हमने नासिक में बहुत ढूंढी थी, वो कैप भी नहीं मिल रही थी क्योंकि लॉकडाउन था, और फिर काका ने कुछ तो जुगाड़ किया और बहुत सारे कॉल करके वो हमने उस दुकान पे गए और वो कैप मिल गई, क्योंकि उस कैप की वजह से बहुत मजा आ रहा है सर, मतलब वो एक ही चीज है जो हम लेके गए थे वहां पे, बाकी तो फ्रूट्स उन्होंने लाए थे, ड्रेस उसके पहले से ही थे, और बैकड्रॉप मैंने नया लिया था, वो पेपर बैकड्रॉप लिया था, वो बोला ठीक है जो है उसमें करना है। और मैं सोचता हूँ पहले कि हमारे पास क्या है उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारा सेटअप नहीं कि मैं बहुत कलर्स के साथ खेलूं, और मैं सेफ कलर का यूज ज्यादा करता हूँ,
हेलो। हाँ कंटिन्यू करो। हाँ तो मैं पहले सोचता हूँ हमारे पास क्या है, तो उसके हिसाब से मैं अकॉर्डिंगली वो सोचता हूँ। और कलर्स भी मैं ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट नहीं यूज करते रहता, क्योंकि मुझे फैमिलियर कलर ज्यादा पसंद है। मैं इसमें आपका कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, क्योंकि वो कर सकता था नहीं। लेकिन सेफ कलर इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि बैकड्रॉप है एक ही है, मतलब ये व्हाइट, और जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप ही का है, तो वो उसके हिसाब से मैं प्लान्स करते रहता हूँ कि हमें क्या कर सकते हैं। अगर मतलब अपने को पता है कि व्हाइट, ब्लैक, ग्रे ऐसे कलर है कि किस भी चीज पे सूट हो जाते हैं, बहुत बढ़िया। उसके जैसे आप अकॉर्डिंग ही फैमिली प्लानिंग रहती है फिर। फैमिलियर कलर आप बोले ना, तो हम फैमिली की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा, कि आपका जैसे ये हाँ फैमिली शूट आपने की है, राइट, काफी खूबसूरत है। यस मतलब ये जिस तरीके से आपने फैमिली शूट किए हैं, और ये भी मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है अभी हमारे लिए, कि आप किस तरीके से एक फैमिलियर कलर्स में फैमिली शूट कर रहे हैं और कलर स्कीम पे क्या वर्कआउट कर रहे हैं। ये भी वही बैकड्रॉप है, राइट, कैनवास पर किए आपने। यस 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 वही है वही है। तो आप अभी आपके पीछे जो कैनवास है, राइट, हेलो। कैसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है अभी आपको ये सब फैमिली पोर्ट्रेट्स की, और उसमें क्या क्या आप कौन सा लाइट यूज कर रहे हैं? कल्पक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं कि जैसे ये पोर्ट्रेट्स में आप किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है आपको आपके वहां पे, क्योंकि काफी खूबसूरत पोर्ट्रेट लिया आपने, फैमिली पोर्ट्रेट। ओके कल्पक जी फिर से जुड़ जाएंगे हमसे। मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि ये बेसिकली जो बैकड्रॉप आप देख रहे हैं और कल्पक जी के पीछे भी है, ये हमने खुद ने हैंडमेड कैनवास बनाया है। मतलब मैं और प्रियदर्शनी, हम लोग खुद हैंडमेड कैनवास क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। वो एक ही बार बनता है टेक्सचर्ड कैनवास जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और ज्यादातर मतलब ये हम लोग कस्टमाइज कैनवास बनाते हैं। यस कल्पक, बताइए फैमिली पोर्ट्रेट की कैसे अपॉर्चुनिटीज है यस आपके, और आपका लाइट कौन सा यूज कर रहे हैं आप इसमें, किस तरीके से आप प्लानिंग कर रहे हैं? सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ कल्पक जी, आप बताइए फैमिली पोर्ट्रेट के बारे में। हाँ तो सर ये मेरे अंकल के फ्रेंड ही है, तो उनकी फैमिली का शूट, मतलब वो बोल रहे थे कि यार हमारे करना है, हमारे करना है। तो मैंने एक दिन प्लान किया कि नहीं अब कुछ तो करते, अलग करते, और उनको पहले ही बताया कि करना है मेरे पास तो नॉर्मल नहीं करना है, तो ही करना है बोलना, कि मतलब आए ग्रीनरी में वो खड़ा गया, और कोई भी अपने अपने हिसाब से ड्रेस लेके आ गए। मतलब होता है ना कि हम अगर कहीं जा रहे हैं तो मेरा अलग से ड्रेस, मुझे जो अच्छा लग रहा है, मेरे भाई का अलग का ड्रेस जो उसको अच्छा लग रहा है, तो वो करके मतलब एज अ फैमिली नहीं लगता। वो हर कोई अपने अपने हिसाब से ड्रेसिंग करता है और आ जाता है अपने पास फोटो निकालने। उनको पहले से ही इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि नहीं हमें फैमिली दिखाना है तो फैमिली कलर भी दिखाना है। तो उनसे मैंने ड्रेसेस मंगवाए थे कि आपके पास क्या है वो बताओ चलो। तो उन्होंने वो ग्रे को जो मतलब ब्लेजर है दो लड़कियों के, आपने देखा तो ड्रेसेस है, तो वो मुझे दिखाया। तो मैंने बोला चलो ग्रे में करना है आपने को सब कुछ, तो मैंने बोला इस कलर के ही मतलब आप सभी। तो उनका इनके जैसा ग्रे नहीं है, लेकिन वो फैमिलियर है, वो अलग भी नहीं है डायरेक्टली, उनके पास वही साड़ी थी। तो मैंने बोला नहीं हमें ये चाहिए। फिर उस लड़की के पास पहले वो आया, तो उसने वो अलग मतलब वो फ्लावर्स रहते वो वाइट कलर के शर्ट पे, तो वो कलर का उसने शर्ट पहना था। तो यानी कि बोला नहीं अगर तेरे पास ग्रे नहीं है तो वाइट पहन क्या, लेकिन प्रॉपर पहन क्या, मुझे प्लेन वाइट भी चाहिए। तो उसके बाद उसको ब्लेजर दिया, और बाद में और एक्चुअली वो जो हाँ, मुझे जस्ट ये जानना है आपसे कि जैसे अभी फैमिली पोर्ट्रेट आपने बताया कि कैसे आपने प्लानिंग किया, कलर्स पे कितना आप ध्यान दे रहे हैं, जब हम लोग सोचते हैं कि भाई ये सिटी में अपॉर्चुनिटीज है, आपके वहाँ पे कैसे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं आपको फैमिली पोर्ट्रेट्स की, और कैसा मतलब आपका एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग देख देख पाए तो, क्योंकि
किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज है अभी ये सब, क्या चाहते लोगों की? एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं सर, ये भी होता है, इसलिए वो अपॉर्चुनिटीज कम है। अगर हम खुद होके दिखाने लगे ना, तो अपने आप लोगों को लगता है कि नहीं हमें भी ऐसा फोटो निकालना है, और उनको तो कॉन्फिडेंस था मेरे पे कि नहीं ये अच्छा कर सकता है, तो डायरेक्टली आ गए। और जैसे मैंने उनको कलर्स भी बताए, अगर आपने ठीक से देखा तो मैम आप वो फोटो दिखा सकते हैं? हाँ, तो पीछे जो मैम है वो थोड़ी सी नर्वस थी, तो मतलब क्या थोड़े से बीमार फील कर रही थी उस दिन। मैंने उनको बोला नहीं हमें एक, मतलब उन्होंने हमें चांस भी नहीं दिया, उनको जल्दी घर पे भी जाना था, लेकिन वो बोले यार अब हम अगर चले गए तो फोटो खींचना होगा ना होगा, फिर कब हम इतना रेडी हो गए। तो उनको बोला नहीं आप हम कुछ तो करते। तो मेरे अंकल भी मेरे साथ थे, तो उनको हंसाने की ट्रिक बहुत अच्छी तरीके आती है, और उनके फ्रेंड थे इसलिए वो तो पूरा फैमिलियर थे वो भी, तो उन्होंने थोड़ा सा वो स्माइल करने के लिए कुछ तो जो क्रैक। हेलो, हाँ बोलो बोलो कंटिन्यू। हाँ, और बाद में मैंने ना थोड़ा एडिटिंग भी में वो थोड़ा सा स्माइल एडजस्ट किया है, लेकिन अच्छा। वो मुझे अभी भी चाहिए था, और भी चाहिए था, लेकिन ठीक है, वो उस टाइम वो बीमार थे, और उसका फोटो अगर उनका फोटो ही नहीं होता अगर मैंने नहीं किया था। और वो पोजिंग के बारे में देखा तो वो भी पूरा रिदम में, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ चारों खड़े कर दिए, जैसे आप हमें बताते कि ग्रुप फोटो निकालना है, मतलब लोग ऐसे खड़ा कर देते और बस वो फोटो निकालते। तो इसमें मैंने पोजिंग का ही भी उतना ही ध्यान दिया है, मतलब उन दोनों को नीचे बैठा है, उसकी हाइट ज़्यादा थी तो उसको पीछे से ऐसा खड़ा कर दिया। और इसमें सर मैंने दो लाइट यूज़ किए, दोनों एडी 400 है, एक के साथ मेरे 4x4 का जो स्क्वायर आता है वो इसकी है, और एक फील क्रिएट करने के लिए मैं आउटडोर में एक छोटा ऑक्टा यूज़ करता हूँ सर, तो वो ऑक्टा भी उसको यूज़ किया है उसको वो फील क्रिएट करने के लिए, ताकि बहुत शैडोज भी ना क्रिएट हो गए हुए, और बस जब उनको फोटो भेजा तो वो मतलब तो खुशी थे। बहुत बढ़िया, खुश थे वो, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं, ये भी एक बहुत खुशी वाली इमेज है, ये दिवाली थीम लग रही है, मतलब कुछ तो त्योहार की थीम लग रही है, और काफी खूबसूरत मोमेंट है ये। यस सर, ये पूरा फैमिली के पिक्चर्स है। हाँ, फैमिली पोर्ट्रेट्स है, मतलब इन्होंने इंक्वायरी सिर्फ मुझे बेबी शूट के लिए की थी कि उनके बेबी के शूट करना है, लेकिन हम ओके शायद कल्पक जी फिर से एक बार इंटरनेट कनेक्शन के वजह से प्रॉब्लम में है। ये शूट के बारे में भी कल्पक ने मेरे से बात की थी, और हम लोगों ने थोड़ा सा प्लानिंग किया था कि नॉर्मल सा अगर शूट करें तो मज़ा नहीं आएगा, तो थोड़ा सा हम हमेशा ऐसे ही फोटो आर्टियो स्कूल में खुद डेकोर करते थे, मतलब खुद सेटअप क्रिएट करते थे, और हम लोग सेटअप क्रिएट करके कई बार शूट करते थे, तो शायद कल्पक को वो बेनिफिट मिल गया कि वो सेटअप क्रिएशन कल्पक को पता था, और यहाँ पर भी वो कैनवास दिख रहा है मुझे, और वो लाइटिंग और थोड़ा सा सेटअप क्रिएट किया है। बताओ कल्पक। हाँ सर, तो उनकी इंक्वायरी सिर्फ मुझे बेबी शूट के लिए थी, लेकिन उनको मैंने बोला नहीं अगर करना है तो हम फैमिली शूट भी अच्छी तरीके से कर सकते। आपने अगर पीछे का फोटो देखा तो वो पूरा फैमिली का, तो उनके जो पिताजी थे तो वो सुन, मतलब उनको भी मैंने ट्रेडिशनल लुक दिया था, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे थे कि नहीं यार मुझे तो नहीं करना, मतलब वो पॉलिटिशियन है, उनको वो व्हाइट शर्ट वगैरह वो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन बोलो नहीं हमें ट्रेडिशनल शूट करना है। तो प्लेन वाइट करते समय हमने देखा प्लेन वाइट नहीं, एक एटलीस्ट ऐसा तो करते, लेकिन उससे थोड़ी ब्यूटी और डेफिनेटली बढ़ जाती, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें मज़ा नहीं है, क्योंकि वो कलर्स मेंटेन हुए, वो रेड कलर उसमें आ गया, वो ब्लैक कलर के शेड्स उसमें आ गए, और तो उसमें वो मज़ा है अभी भी। और इसमें भी मैंने दो लाइट्स यूज़ किए हैं, और मैं मतलब जब फैमिली एक साथ आती है ना, तो हर अगर बच्चा हो उनके साथ तो मैं हर बार उनको बोलता कि यार उसके साथ खेलो आप,
मैं अपना काम करते रहता, आप सिर्फ उसके साथ खेलो, सिर्फ कुछ इंस्ट्रक्शन देता हूँ, मतलब ज्यादा कैमरे के सामने नहीं आना, और ज्यादा मतलब होता है आईज का अगर हमने देखा तो व्हाइट पोर्शन नहीं दिखना चाहिए, तो उनको पहले से बता आपको कितनी डिग्री तक आपको मुड़ना है या फिर देखना है, ये सब बता देता हूँ। और बाद में से मुझे फिर बाकी सेटअप तो है, मतलब आपको याद होगा आपने जो मिस इंडिया का वगैरह शूट किया था, महाराष्ट्र का शूट किया था, तो तब दिवाली थीम आपने की थी राइट, तो मुझे मेरे दिमाग में वो था कि यार सब कुछ तो करना है, और फिर मैंने वो जो पॉट है वो लाया, वो सुरसरी है, मतलब दिवाली क्या है तो ये सोच के मैंने किया। वो फ्लावर्स भी देखे, बाद में वो लाइटिंग भी नीचे पीछे लगाई है, और एक्चुअली वो लाइट ज्यादा ब्लो नहीं हो रही, मतलब मैंने अभी ये आपका स्टूडेंट टॉक में सुनील गंगदत्ते सर का सेशन देखा था मैंने, तो जी जी शायद मैं वो पहले देखना चाहिए था मैंने वो, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही सिंपल लाइट्स को ग्लो कर दिया था उसको, मतलब आप ही का एक उसको प्रीवेडिंग का फोटो था, तो सेट इन द सिटी में। शायद इसमें वो, हाँ तो वो इसमें और ब्यूटी बढ़ा सकता था सर, लेकिन उस टाइम मुझे वो दिमाग में ख्याल नहीं आया, और लेकिन फिर भी वो ब्यूटी अभी भी है उसमें, और जो उनके तीनों का बॉन्डिंग दिख रहा है, बाद में मैंने मेरे कैमरे के सामने भी एक वो फायर जलाया था, क्योंकि वो मुझे बोके क्रिएट करने थे, वो मैंने बाद में डाले नहीं, तो वो वही पे ले लिए थे, और बस लाइटिंग है सर, पीछे मैंने एक बार्न डोर लगाया था, उसको येलो जेल भी लगाया था, और वो 8400 का लाइट था वो, और इस साइड से गोडॉस का 600 लाइट था, बस सेटअप वगैरह बाकी कंपोजिशंस वगैरह जैसे उसकी ब्यूटी बढ़ गई सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए आप, मैं सबसे भी बात करना चाहूंगा, अभी एक पार्ट बचा है हमारा जो मैं दिखाना चाहूंगा आगे। लेकिन आज हम लोग कल्पक से बात कर रहे हैं, और कल्पक ने वेडिंग वेडिंग के पिक्चर देखे हम लोगों ने, जो वाइड एंगल में ज्यादातर किए हैं। फिर हम लोगों ने प्रोफाइल शूट देखा, कोलेब्रेशन किए करके किया। फिर एक रॉयल पोर्ट्रेट देखा हम लोगों ने। फिर हम लोग आ गए फैमिली पोर्ट्रेट्स की तरफ, फैमिली पोर्ट्रेट्स को देखा। एक दिवाली थीम कॉन्सेप्चुअल शूट देखा। ये सब कल्पक अपने छोटे गाँव गाँव में ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो किसी सिटी में है। नासिक में नहीं है वो, ना नासिक से भी 50 किलोमीटर एक तहसील एरिया में भी एक छोटा सा गांव है, वहां से वो कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। अभी तो उनकी शुरुआत हो गई है, अब तो बहुत दुनिया देखनी है, और ये कर रहे हैं। यही हमारा प्राउड फील कर रहे हैं हम लोग कि ये कर रहे हैं सर। कल्पक आगे प्री वेडिंग फोटोग्राफी देखेंगे, बहुत सारे पिक्चर्स है मेरे पास, लेकिन मैंने कुछ ही निकाले क्योंकि इतना दिखाने जाए तो हमें 2 आवर्स बहुत कम हो जाएगा, और 2 आवर्स भी कभी कभी बहुत ज्यादा लगता है कि भाई दूसरे के फोटो देखते हैं। हम सोच रख रहे हैं सामने कि क्या किस तरीके से कल्पक जी सोच रहे। कल हमारे साथ जुड़ेंगे महेश पवार जी, जो यही सासवड से है पुणे डिस्ट्रिक्ट में, वो फोटो आरटीओ के स्टूडेंट टॉक में जुड़ेंगे, और उनके भी काफ़ी खूबसूरत काम है। जिस तरीके से महेश पवार ने अपने आप को आगे दिखाया है, कोई फोटोग्राफर नहीं थे और फिर भी उन्होंने अपने आप को जो इस तरीके से बनाया है, और माही फोटोज उनका ब्रांड है, कल माही फोटोज का ब्रांड कैसे बन गया, वो कैसे इस इंडस्ट्री में आए, उन्होंने फोटो आरटीओ में कितना कोर्स किया, क्या कोर्स करने के बाद उनको बेनिफिट हुआ, सब कल महेश बताएंगे। उसी के साथ मैं आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात शेयर करना चाहता हूँ कि अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हम लोग सेटल होते जा रहे हैं फिर से सब प्रिकॉशंस लेकर, लेकिन बहुत डिमांडिंग कुछ था मेरे पास और मैं उसके लिए रुका था। तो कल से मतलब परसों से, 1 जुलाई से हमारी नई बैच शुरू हुई है, बहुत लिमिटेड सीट्स के साथ। तो उस बैच में हम लोगों ने सिर्फ 7 सीट्स ही रखे थे, और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बैच शुरू की है। बेसिक फोटोग्राफी, एडवांस फोटोग्राफी, प्रोफेशनल फोटोग्राफी और स्पेशलाइजेशन फोटोग्राफी भी। उसी के साथ हम लोग 19th से लेके एक 5 डेज का प्रोफेशनल फोटोग्राफी वर्कशॉप आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, एक दिन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के बारे में पूरा सेशन रहेगा विथ डेमोन्स्ट्रेशन, दूसरे दिन पोजिंग एंड लाइटिंग का सेशन रहेगा विथ डेमोन्स्ट्रेशन, थर्ड डे हम लोग करेंगे बेसिकली जो सबको पसंद आता है किड्स फोटोग्राफी में, तो किड्स फोटोग्राफी का एक डेमोन्स्ट्रेशन करके प्रॉपर सब वहाँ पर डिटेल करके उसको, और ये सब एवरी डे विथ प्रैक्टिस सेशन रहेंगे। तो थर्ड डे रहेगा किड्स फोटोग्राफी, फोर्थ डे रहेगा हमारा आउटडोर फोटोग्राफी, हम लोग आउटडोर में जाएंगे और वहाँ पे फोटोग्राफी करेंगे, और फिफ्थ डे रहेगा हमारा एडिटिंग का पार्ट।
हम लोग फोटोशॉप में प्रॉपर एडिट भी करेंगे इमेजेस को। तो ये 5 डेज का मैं वर्कशॉप लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, जो कि विथ अकोमोडेशन रहेगा, मतलब विथ स्टे का वहाँ पे क्या रहेगा, आपका स्टे को कहीं पे भी आपको अरेंज नहीं करना है, स्टे आपका हम लोग अरेंज करेंगे। तो ये हम लोग 19 तारीख से नेक्स्ट 5 डेज के लिए, मतलब 23 तक ये कर रहे हैं, और 15 जुलाई तक ही इसकी सीट्स बुक करेंगे हम लोग, क्योंकि सिर्फ 10 पार्टिसिपेंट्स के लिए ये कर रहे हैं, और 5 पार्टिसिपेंट्स का हम लोग आगे रख रहे हैं चांस कि अगर वो मतलब 15 हो जाते हैं तो 15 तक मैक्सिमम एक्सटेंड करेंगे, उसके आगे नहीं। तो अगर आप में से कोई अगर इंटरेस्टेड है तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे वहाँ पर डिटेल्स मांग सकते हैं, मैं सब आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा। ये वर्कशॉप एक्चुअली डिमांडिंग वर्कशॉप है, क्योंकि कई फोटोग्राफर्स कंटिन्यू फ़ोन कर रहे हैं और हम लोग वो नहीं चाहते थे कि पूरा सब ये सिचुएशन देखे बिना ही सब कुछ अरेंज कर दें, क्योंकि हमें यहाँ पर पूरा प्रिकॉशंस भी लेना इम्पोर्टेंट होता है। ये डिमांडिंग इसलिए था कि सबको चाहिए था कि भाई आप पोर्ट्रेट्स भी बताइए, आप किड्स भी बताइए, आप पोजिंग में भी बताइए, हमें लाइटिंग का भी डिटेलिंग करना है, सेटअप क्रिएशन भी करना है, स्टूडियो फोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट है, फिर आउटडोर भी दिखाइए और एडिटिंग भी दिखाइए। तो ये डिमांडिंग इसलिए मैंने कहा कि ये कई दिन सोच के हम लोगों ने ये अरेंज किया है, 19 से लेके 23 5 डेज का, मंडे टू फ्राइडे, ओके, क्योंकि सैटरडे संडे यहाँ पर लॉकडाउन होता है अभी भी, तो ये मंडे टू फ्राइडे सेशन रहेगा। उसका डिटेल हम लोग कल पूरा हमारे वेबसाइट पर भी शेयर करेंगे। अगर आप में से कोई कोई जुड़ना चाहता है इसे तो यहाँ पर आप मुझे मेंशन कर सकते हैं, और कल से इसकी बुकिंग ओपन हो जाएगी सबके लिए सिर्फ 15 जुलाई तक। तो 15 जुलाई से पहले ही आपको सीट बुक करना है, अगर उससे पहले 15 सीट्स मतलब 10 सीट्स भी अगर बुक हो जाते हैं, और अगर आगे उसका अगर बेसिकली मतलब किसी को एडजस्ट नहीं हो रहा है उसी में ही करना है तो ही 5 सीट्स हम लोग एक्सटेंड करने वाले हैं। तो टोटल मैक्सिमम 15 सीट्स यहाँ पर रहेगी, लेकिन ज़्यादातर हम लोग 15 सीट्स भी नहीं लेंगे, 10 सीट्स पर ही फोकस करेंगे, ताकि उन पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ज़्यादा वक्त दे सकते हैं हमारा, ओके। तो आप मुझे पिंग कीजिए, मैं फीस और ये पूरा स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या कितना फीस है, और स्टे हम लोग अरेंज कर रहे हैं, ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कल्पक के सेशन पे, टॉक में, बेसिकली सेशन है ही नहीं, ये टॉक है हमारा, स्टूडेंट टॉक। और ये बताना मुझे इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि मुझे डेली कॉल आ रहे हैं इसके लिए, और ये हमारे जो यूट्यूबर यूट्यूब के पार्टिसिपेंट्स है कई बार रोज़ मुझे पिंग कर रहे हैं कि सर ऐसा कुछ अलग वर्कशॉप कीजिए कि जहाँ पर हमें सब कुछ मिल जाए, क्योंकि दिन निकालने 2 दिन भी निकाले या 5 दिन भी निकाले तो हमारे लिए एक ही रहेगा। तो हम लोगों ने सोच समझ के किया, क्योंकि सैटरडे संडे तो हम लोग ये कर नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, वीकेंड लॉकडाउन रहता है यहाँ पर। तो डेली ये विद प्रैक्टिस बेस्ड सेशन रहेगा, आपको पूरे प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स, प्रोफेशनल कैनवास बैकड्रॉप्स और अलग अलग तरीके से, लगभग मैं आपके लिए ओपन करूँगा 25 से 30 अलग अलग बैकग्राउंड्स और कई सारे प्रॉप्स आपके सामने रहेंगे, उसका कैसे किस तरीके से सेटअप क्रिएशन करना है, और एवरी डे आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा, और उस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद आपको खुद को प्रैक्टिस करना है हमारे सामने, राइट, ताकि हम आपका पिक्चर तुरंत देख सके, और उन्हीं पिक्चर्स को लास्ट डे जो 5th डे रहेगा हमारा, उस दिन हम लोग एडिट करेंगे, और एडिट भी हम लोग 3 अलग अलग आर्टिस्ट आपके लिए एडिटिंग करने वाले हैं, क्योंकि एडिटिंग कोई एक तरीके से नहीं होता है। कल हम लोगों ने देखा लाइव आर्ट्स का एडिटिंग, जो उनका एक तरीका हम लोगों ने देखा कि बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं। वैसे मैं मेरा एडिटिंग खुद करता हूँ, अभी जैसे कल्पक है हमारे साथ तो वो भी बैठते थे मेरे बाजू में, तो हर एक का अपना अपना रेसिपी होता है। मैं मेरे तरीके से एडिटिंग करूँगा, पोर्ट्रेट्स में ज़्यादातर मैं एडिट करके दिखाऊंगा, पिक्चर्स आउटडोर पिक्चर्स को मैं एडिट करके दिखाऊंगा, हमारे सुनील सर है वो एडिट करके दिखाएंगे, वो मैनिपुलेशन आपको बताएंगे, और प्रियदर्शनी मैम है जो आपको बेसिकली किड्स फोटोग्राफी में एडिटिंग बताएगी, जो बहुत ही अलग तरीके से एडिटिंग होता है। तो ये 5 डे का बेसिकली पैकेज आपके लिए लेके आ रहे हैं। अगर इंटरेस्टेड मेंबर, मेरा नंबर मैंने शेयर किया है, प्लीज़ आप मुझे पिंग कीजिए, मैं आपको सब डिटेल्स एज सुन एज पॉसिबल शेयर करूंगा, और कल पूरा डिटेल्स हमारे वेबसाइट पर भी आ जाएगा, ओके। थैंक यू सो मच, हम आगे बढ़ते हैं। और कल्पक जी, सॉरी मैंने बीच में थोड़ा समय लिया, ये ज़रूरी था क्योंकि मुझे डेली मिल रहा है। दूध पचारे फोटोग्राफर यहाँ पर कह रहे हैं कि वो गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में है और वहाँ पर ज़्यादा फोटोग्राफी का एजुकेशन नहीं मिल रहा है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, उन्होंने पूछा है। तो दूध पचारे स्टूडियो, अब ये जो टॉक्स चल रहे हैं बेसिकली, इससे भी आप जितना ले सकते हैं उतना ले सकते हैं, और पुणे में हम लोग अरेंज कर रहे हैं, और कई सारी जगह पे वर्कशॉप्स अरेंज होते रहते, कभी मौका मिला, सब कोरोना का सिचुएशन थोड़ा हालात प्रॉपर हो गई
हम आएंगे गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में, आप बुलाइए, वहां पे हम लोग कुछ 2-3 डेज का सेशन अरेंज कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हम लोग, कल्पक का काम देखना है हमें और प्री वेडिंग फोटोग्राफी देखनी है। तो कल्पक, हम लोग थोड़ा प्री वेडिंग की तरफ जाते हैं और हम आते हैं इस खूबसूरत शॉट को लेके कि आपका प्री वेडिंग शूट का प्लानिंग कैसे होता है, आप कैसे वहाँ पर क्या किट लेकर जाते हैं, कितना टीम होता है, क्या डेस्टिनेशन मतलब कैसे लोकेशन फाइनल करते हैं आप, क्योंकि नासिक डिस्ट्रिक्ट तो ऑलरेडी इतना नेचर वाला डिस्ट्रिक्ट है, बताइए थोड़ा सा हमें। तो सर ये इंक्वायरी आई थी मुझे, एक्चुअली वेडिंग की इंक्वायरी थी, मतलब इन्होंने अपना काम देखा था और उनको चाहिए था कि नहीं हम करें, तो उन्होंने उसी में मुझे प्री वेडिंग का भी पूछा, मैंने ठीक करते, लेकिन उनको शायद मेरी सोच बहुत पसंद आई, क्योंकि मैं पहले से ही बोल रहा था कि यार वो हाथ में हाथ लेके चलना, ग्रीनरी में आगे खड़ा कर देना, तो ये नहीं करना है, और कहीं ना कहीं उनकी भी सोच वही थी कि उनको भी ऐसा फोटोग्राफर चाहिए था कि वो रेगुलर शॉट्स ना ले, मैंने बोलो और भी अच्छा है। और उन्होंने एक बात बताई थी मुझे कि यार हम पोजिंग नहीं कर सकते बोले, क्योंकि वो बहुत फिर बहुत ये हो जाता है कि टिपिकल लगता है वो मुझे, बोले बोला वो तो बहुत बढ़िया, तो हम स्टोरी क्रिएट करते कुछ तो, क्योंकि मैं पहले से उनको पहले से मतलब जब मीटिंग में बैठे थे हम, तो उनको तभी बता रहे थे कि हम जो भी शॉट लेंगे वो थीम वाइज लेंगे, कोई भी ऐसा शॉट नहीं रहेगा कि वो गए और रैंडमली शूट ले लिया। हाँ, वहाँ पे जाने के बाद अगर कुछ सोचा, आपको सोचा है मुझे सोचा तो ले लेंगे, लेकिन 90% या 90% से प्लस जो भी शॉट रहेंगे वो पहले से प्लान रहेंगे, तो उनको मजा आ गया, तो उनको पहले से ही बताया, तो हमने एक मतलब जगह चूज की पहले कि हमें कहाँ जाना है, उनको पहले कुछ थीम्स इसे बता दिए थे कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है। ओके ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्पक फिर से जुड़ेंगे हमारे साथ, कि वो बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है क्लाइंट के साथ, कपल के साथ, कि उनकी सोच क्या है, हम अपना ही अगर बताते रहे वहां पर कि भाई ये करो वो करो तो वो नहीं करेंगे, अगर उनको नेचुरल वो थोड़ा स्टोरी टेलिंग चाहिए तो हम लोग वो स्टोरी टेलिंग देना भी जरूरी है, राइट। और वही बातें बहुत अच्छी है कल्पक की, कि वो उस चीज को पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग कल्पक की ये पिक्चर देखे तो उन्होंने छोटे छोटे मतलब जैसे वो बच्चे खेलते हैं, फिर वो उनका एक बॉन्डिंग अलग तरीके से, वो बुक पढ़ रही है उसमें एक अलग मजा है, और उनका स्माइल देख के लग रहा है कि वो फुल एंजॉय कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से प्री वेडिंग प्लान हो सकता है, हर टाइम कुछ टिपिकल पोजिंग और उस तरीके से नहीं, लेकिन ये पोज एक मिला है हमें और काफ़ी खूबसूरत मूड, एक रोमांटिक मूड कल्पक जी ने कैप्चर किया, और ये भी काफ़ी खूबसूरत है, मतलब जिस तरीके से उन्होंने बैकग्राउंड में भी पूरा वो शायद तो जो भी रिसोर्ट रहेगा या प्लेस रहेगा वहाँ का ये किया है, वो टाइम दिखाया है यहाँ पर, और काफ़ी खूबसूरत पिक्चर है ये। तो ये खासियत है एक्चुअली कि हम अगर सोच समझ के अगर फोटोग्राफी करें, अगर हम अपने आप को खुद से बात करें कि हम अपने आप में खुद में वो सोचे, तो बहुत खूबसूरत पिक्चर्स हम लोग ले सकते हैं स्टोरी टेलिंग में, राइट। बहुत बढ़िया कल्पक, बहुत बढ़िया पिक्चर्स है, और मैंने वही ये किया। अब मैं एक्चुअली कल्पक यहाँ पर आपका प्रोफाइल भी मुझे शेयर करना है, दिखाना है। कल्पक, अगर आपको फॉलो करना है किसी को तो कहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, और आपका मैं फेसबुक प्रोफाइल भी दिखाने वाला हूँ यहाँ पर, कि आप फेसबुक में अभी जो आपने ब्लैक एंड व्हाइट एक वेडिंग का पूरा शेयर किया है काम, तो मैं ज़्यादातर वो सोच रहा हूँ कि आपका डायरेक्ट फेसबुक पे ही दिखाऊँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि वहाँ पे जब आप कर रहे हैं। और मैंने ये भी सुना कि वो जो किया है आपने तो वो ब्राइड साइड था, और ग्रुप ग्रूम के साइड से भी आपको कॉल आ गया उनके फ्रेंड्स का कि भाई बहुत बढ़िया काम किया आपने, और एक एंगेजमेंट आपके आपके पास बुक हो गया है वो देखने के बाद। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि अगर हम अच्छा काम करें तो कुछ अलग क्रिएटिविटी करें तो अपनी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर ग्रूम साइड ब्राइड साइड ऐसा कुछ नहीं होता है, फोटोग्राफर फोटोग्राफर होता है। ये सर मतलब मुझे इतना मतलब फेसबुक पे जब लोग देखते तो क्या मतलब पहले से ही मैं क्रिएटिव काम डाल रहा हूँ, तो लोग मतलब पहले आपने अगर देखा
तू ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट और शेडोज और लाइट के। तुम मुझे कई क्लाइंट्स ने ऐसा भी बोला कि यार आप सिर्फ ऐसा ही करते क्या, फिर मतलब आप नॉर्मल शॉट्स लेते नहीं है क्या? मैंने बोला अच्छा नहीं, मैं ऐसा भी लेता हूँ, मतलब जो एल्बम्स वगैरह देखा था, लेकिन वो मेरे टेस्ट है, मुझे लगता है मेरी प्रोफाइल ऐसे ही बिल्ड होनी चाहिए, इसलिए मैं वो पोस्ट करता हूँ। लेकिन आपने अगर देखा, अगर कुछ दिनों से मैं जो भी पोस्ट कर रहा हूँ, तो उसमें नॉर्मल इंसान को भी वो पसंद आ सकते हैं, ऐसे भी पोस्ट करने लगा हुआ अभी, और जो क्रिएटिव भी हो और हर किसी को पसंद भी आए, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ शेडो और लाइट की हो। मतलब आप ये ग्रुप का फोटो आपने देखा होगा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ लो की यूज किया है या फिर बहुत कम लाइट और वैसा कुछ किया है, तो उनको सिर्फ वो सभी मेरे फ्रेंड ही है एक्चुअली, मतलब तो वो गया मेरे भाई के फ्रेंड है। आपने अगर देखा तो उसमें जो पोर्ट्रेट, रॉयल पोर्ट्रेट आपने कहा, तो वो भाई मेरा यहाँ पे भी है। तो मैंने बोला, तो वो बोले यार हमारा फोटो निकाल, और वेडिंग में थे, बोले ठीक है चलो, तो लाइक सीधे खड़े मत रहो, बोला फिर सिर्फ कुछ नहीं, आप जो जिसकी जो ब्राइड का भाई था उसको बीच में खड़ा कर दिया। उसके दो रीजन थे, उसकी हाइट और दूसरा उसका ड्रेस, वो अलग था बाकी सबसे, तो राइट उसको आगे कर दिया। बाद में अगर ब्लैक एंड व्हाइट में देखा तो बहुत से लोग एक गलती निकालेंगे शायद, कि यार तूने जो उसके पीछे उसके राइट में जो जो लड़का खड़ा कर दिया है, उसको उसके पीछे खड़ा करना चाहिए था, क्योंकि वो ये है मतलब हाइट के वाइज। राइट लेकिन वाइज वो उस टाइम मैंने हाइट से अच्छा वो कलर का देखा, जब कलर फोटो में मैंने इसलिए कलर भी पोस्ट किया कि आप कलर के बारे में देखे, तो दो तो येलो पीछे आए हैं, उसके बाद उसका जो फेंट कलर है वो पीछे आए, तो तो ऐसे यहाँ पे आप सोच करके कई मैंने कई किया। सारे चीज़ों में काम किया, जैसे स्पेक्स है, ये तीन तीन हाँ है दो बंदे जिनको स्पेक्स है हाँ बेसिकली, हाँ चप्पल, राइट 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 उनको भी आपने बीच में बैलेंस किया है, राइट। और आपके पास ये भी दिक्कत थी कि अब येलो और राइट एक येलो नहीं था, तो उसको मैनेज करना भी जरूरी था, तो फिर आपने उतना तो हाँ मैनेज कर लिया है वहाँ पर, राइट। थोड़ा मोमेंट्स देखते हैं ये, यहाँ पे जैसे मोमेंट्स अब मैं दिखाते रहूंगा, कि मुझे ये भी बहुत पसंद आया कि आप लो कैमरा और बहुत अमेजिंग, और आप ब्लैक एंड व्हाइट में भी बहुत खूबसूरती से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। सर, ये बताना चाहूंगा, ये मेरे सभी जो शॉट है ये सीरीज के, ये मतलब डांसिंग के, वो सभी मेरे काका ने निकाले सर। वाह क्या बात है, तो ये एक्चुअली विनोद सर को मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, अगर आपके साथ है और आ सकते हैं वो आप स्क्रीन पे, तो उनको बुलाइए, उनको भी आज दिखाना जरूरी है। वो एक्चुअली यहाँ पे नहीं है। नहीं है, ओके। तो विनोद सर को भी हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, और कल्पक का यहाँ पर प्रोफाइल हम लोग बता रहे हैं, और विनोद जी का भी ये इतना खूबसूरत है, हम काका और आपका तो एक टॉक करने वाले, इसलिए मैं आपको थोड़ा आज ये कर रहा था कि वो एक करना जनरेशन फोटोग्राफर्स के अकॉर्डिंग। और ये खूबसूरती होती है कि आप किस तरीके से अपने आप को आगे लेके जाते हैं, और कल्पक का ड्रीम भी हमें, मतलब बड़ा ड्रीम है कल्पक का, मैं तो चाहता हूँ कि कल्पक और बहुत आगे धमाल करें, क्योंकि बहुत काम करना है, अभी तो शुरुआत है। ये भी एक काफी खूबसूरत है, ये भी काका ने किया है, विनोद सर ने, नहीं, ये मेरा है सर। ये आपका है, ओके। हाँ बहुत बढ़िया पिक्चर है ये, बहुत ही काफी खूबसूरत है, और ये मोमेंट्स है, ये वेडिंग है, तो ये वेडिंग में ये मजा देख सकते हैं हम लोग कि कितना खूबसूरती है यस इस यस वेडिंग यस, में। ये वीडिंग है। बहुत बढ़िया, बहुत नहीं बढ़िया। और ये वैसे कल्पक, जो मैंने के लिए ये कल्पक है वाह सर, ये मेरे एक फ्रेंड है प्रणव साथ भाई करके, उसने वो डिजिटल पेंटिंग किए थी और वो मुझे गिफ्ट किए थे सर। राइट राइट राइट। और ये कल्पक है, और ये कल्पक का एटीट्यूड है कि जहां पर कल्पक अपने आप को आगे लेके जा रहा है। कल्पक अगर आपको किसी को फॉलो करना है, मतलब कोई आपको फॉलो करना चाहता है, तो वो कहाँ पे फॉलो करे, और मैंने आपका अगर नंबर यहाँ पर शेयर किया तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, एब्सोल्युटली आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कल्पक जी का नंबर शेयर कर रहा हूँ, जिस किसी को भी अगर कल्पक से जानना है फोटोग्राफी के बारे में, या जुड़ना है, ऐसे ही जुड़ना है कुछ मतलब अपने बातें, या आपको कल्पक को अगर कोई गाइडेंस करना है, तो आप बेझिझक कल्पक को गाइड कीजिए, क्योंकि मैं और कल्पक हम दोनों भी लाइफ टाइम स्टूडेंट्स हैं, हम लर्नर्स हैं, हमें सीखना है बहुत कुछ, और आप सभी के गाइडेंस से हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे, तो सीखने के लिए हम लोग उत्सुक रहते हैं। कल्पक को और भी आगे सीखना है, और भी आगे बढ़ना है, और मैं कल्पक यस को सर, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ कि
और मतलब दुनिया घूमना है और कल्पक फोटो आरटीओ स्कूल ऑफ फोटोग्राफी आर्ट का अभिमान है, स्वाभिमान है और सम्मान भी है। तो कल्पक बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं आपके शुरुआती दौर में आप इस तरीके से खूबसूरत वर्क कर रहे और आपका सोच हमेशा क्लियर रखिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। क्योंकि मुझे एक फक्र ये भी है कि लास्ट ईयर कल्पक ने अपने निफाड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए एक उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी एक लाइव सेशन लेने की, तो मैं विवेक कदम जी को भी यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आपने कल्पक जैसे अभी इस नौजवान फोटोग्राफर को और 20 साल उम्र के फोटोग्राफर को अपॉर्चुनिटी दी थी निफाड़ तालुका के लिए। तो ये बहुत मेरे लिए प्राउड मोमेंट थी वो, और अपने पास जो है वो देते रहने का यही फोटो आर्टियो का सोच है, राइट? कल्पक क्या ड्रीम है आपका? यस सर, एक्चुअली मैंने पहले से मतलब जब इंटर किया था ना, पहले से सर मैं एजुकेशन पे पहले से ही बिलीव करता हूँ कि जो भी करना है वो एजुकेशन के साथ ही करना है, क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस से अलग है। क्योंकि हमने मतलब पहले से इम्पोर्टेंस तो था मुझ में, लेकिन जब फोटो आर्टियो में आया तो वो व्यू अपने आप बढ़ता चले गया। मतलब आपको याद होगा मैं पहले भारतीय विद्यापीठ में एडमिशन लेना चाहता था, तो आप मेरे साथ आए भी थे, हाँ वहाँ पे गए थे, और कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से मैं उस टाइम एडमिशन नहीं ले पाया था। तो और वेडिंग का भी मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे वेडिंग फोटोग्राफी करनी है। मतलब फिर आपने बताया था कि चलो उसको सिर्फ एक महीने का कोर्स करने दो, एक बेसिक होने दो, बाद में वो खुद डिसाइड करेगा क्या करना है कुछ नहीं। तो पहले महीने का किया, बाद में हमने वो एक्सटेंड करके 3 मंथ्स का किया, वो बाद में एक्सटेंड करके 6 महीने का किया, और वो 6 महीने करके करके हम लगभग साल भर एक साथ ही थे, राइट? तो मतलब वो इतना, हाँ तो वो मजा आता गया सर। और मैं मतलब एक प्राउडली कहना चाहता हूँ सर, अगर मैं आपके पास नहीं होता तो शायद मैं वेडिंग फोटोग्राफी करता ही नहीं। मतलब नो डाउट कि मेरे घर का बैकग्राउंड है वेडिंग फोटोग्राफी का, और ऐसा कुछ था ना कि मैं जो वेडिंग फोटोग्राफी करना नहीं है, लेकिन क्लियर नहीं था। और बाद में जो मतलब आपको मैंने मेरे कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर किए थे, तो एक समय ऐसा आया था कि यार नहीं मुझे नहीं करना है, लेकिन जो आपने मतलब वो ब्यूटी सिखाई हमें कि वेडिंग फोटोग्राफी क्या है, वो सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, मतलब वो उसके ब्यूटी क्या है, वो क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि वेडिंग फोटोग्राफी ऐसी है जो किसी के एक माइलस्टोन्स रहते ना, तो वो कैप्चर करते हैं हम, right. क्योंकि और मतलब अगर वो शॉट अगर चला गया ना हमसे सर, तो उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। मतलब लोग कहते हैं ना कि हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन रहता है, लेकिन टाइम एक ऐसी चीज है जिसका सोल्यूशन नहीं सिर्फ रिग्रेट रहता है, राइट? तो वो बात है कि यार, और उसके बाद जब मैंने कुछ काम किए और मैं एल्बम मतलब जब लेने के लिए आए क्लाइंट्स और उन्होंने देखा, तो मैंने देखा सर कि उनके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल है। मतलब वो देखने के बाद कि यार कितने अच्छे कैंडिडेट्स है वो, मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि यार तू फोटो निकाल रहा है वहाँ पे। और वो मतलब एल्बम देखते समय वो पूरे फैमिली के चेहरे पे स्माइल रहती सर, और हमसे किसी को अगर हैप्पी फील कर रहा है कोई हमारे वजह से, तो उससे खूबसूरत कोई चीज नहीं हो सकती शायद सर। क्या बात है, क्या बात है। और वही चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आ गई, और कुछ इंसिडेंट्स के बाद भी मैं वेडिंग फोटोग्राफी कर रहा हूँ। वो सिर्फ वही रीजन है कि शायद हो सकता है 100 में से 90 लोगों को उसकी कीमत नहीं पता हो, लेकिन 10 लोगों को तो पता है, और हमें वो 10 लोगों को ही टारगेट करना है सर। बहुत बढ़िया। एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट है, रिस्पेक्ट आज तो रह गया मेरे से, सामने ही है। यस यस, और हमेशा रहता है यहाँ पर, और मैं उसको आज बैच को लगाया नहीं। होता क्या है कि कई बार आप इतना दिल से बात कर रहे हैं और आपकी शुरुआती है, मुझे याद है कि जब मैं मतलब 20-25 साल से ये सब कर रहा हूँ, वेडिंग्स कर रहा हूँ, और कभी कभी ऐसा भी लगता है अभी कि यार बहुत सैचुरेशन हो गया अभी, और मतलब वेडिंग्स बहुत कर लिए मैंने, तो कुछ अलग भी करना है। फिर जाके मैं थोड़ा भी सोचूँ ना तो फिर से डर लगता है मन में कि यार मैं वेडिंग नहीं करूँगा तो मेरे में मतलब मुझ में वो मज़ा ही नहीं आएगा, मेरा तो
एनर्जी चला जाएगा, उसमें जो एनर्जी मिलता है मुझे तो वो वेडिंग्स के वजह से मिलता है। मैंने कई फोटोग्राफर्स को भी ऐसे जो थोड़ा अदर इसमें भी स्पेशलाइजेशन है उनको बोलते हुए देखा कि यार क्या वो वेडिंग करना है और वो वेडिंग फोटोग्राफर है और वो ये वो तो पैसे के लिए तो हम लोग कर लेते हैं ये वो है। मुझे इतना अंदरूनी दुख होता है कि यार आप किस किस बारे में बात कर रहे हैं, वेडिंग फोटोग्राफर क्या है? वो तो इतना अपने समय पर वो शॉट को लेता है, उसका स्किल कितना चाहिए क्या? कई लोग बोलते हैं यार वेडिंग फोटोग्राफी क्या सीखना है, वही तो सीखना है क्योंकि हम बाकी शूट तो रीअरेंज कर लेंगे ना, वेडिंग्स को थोड़ा इवेंट्स को थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं, तो उसमें फोटोग्राफर्स का महत्व कितना है? अगर आईआईटी में पढ़ने वाले वो पास आउट होके अगर वेडिंग फोटोग्राफर बन रहे, इतने सारे इंजीनियर्स वेडिंग फोटोग्राफर बन रहे, इतने इतने लोग एमबीए करके वेडिंग फोटोग्राफर बन रहे, तो वेडिंग फोटोग्राफी क्या है? और हम ऐसा बोल देता है कोई मतलब कि वो तो ठीक है वेडिंग फोटोग्राफी है तो उसमें क्या है ऐसा है वैसा है, वो तो हम अगर उसको मतलब उसको सम्मान नहीं दे रहे तो दुनिया क्या खाक सम्मान देगी हमें? हमें पहले अपने आप को प्राउड फील करना चाहिए कि भाई आई एम अ वेडिंग फोटोग्राफर और प्राउड टू बी अ वेडिंग फोटोग्राफर। क्यों नहीं सम्मान करना? चोरी करके पैसा कमा रहे क्या कि चोरी करके मतलब फोटो खींच के कुछ बेच रहे अलग? अरे प्राउडली करना चाहिए। अगर जो लोग ऐसा बोलते हैं, मैं हमेशा से ही मतलब कई बार ऐसा होता है कि मुझे पूछने में मैं ये होता हूँ यार आप ऐसा बात कर रहे हैं तो आपके घर में शादी होगा तो आप फोटोग्राफर को नहीं हायर करेंगे वेडिंग फोटोग्राफर को? अगर आपको वो थोड़ा सा भी कम लगता है वेडिंग फोटोग्राफी तो आपके घर में मत बुलाइए वेडिंग फोटोग्राफर को, आप खुद ये कर लीजिए फिर शॉट ले लीजिए, राइट? नहीं होता है ना मैनेज। वेडिंग फोटोग्राफर तो इतना खूबसूरत कार्य करता है कि उस देखिए कुछ नहीं बचता है, शादी हो जाता है, सब कुछ खर्चा होता है, सब कुछ एक दिमाग अलग होता है, लेकिन दूसरे दिन अगर उसको याद करने भी जाए ना तो भी नहीं याद आता। लेकिन एल्बम अगर ओपन कर दे, फोटो को अगर देखे, वीडियो को अगर देखे तो ऐसी स्माइल आ जाती है, अरे मेरी बेटी का शादी, मैंने ये किया था, मैंने इतना सजाया था, मैंने ये डेकोरेटर बुलाया था, ये खाना रखा था, यहाँ पर ये बैंजो था, ये डीजे था, ये सब कुछ, ये सब कपड़ा था, इतना ज्वेलरी था, ये सब कुछ कहाँ पे? ये उस वेडिंग फोटोग्राफर ने कैप्चर किया है। तो सबसे पहले कल्पक जी कि आप इतना दिल से बात किए और मतलब आपकी उम्र तो बहुत कम है लेकिन आप में बहुत मैच्योरिटी अच्छी है, मतलब हम तो बहुत करीब है, मैं तो तू करके बात करता हूँ, लेकिन एक आपको सम्मान है यहाँ पर कि आप वेडिंग फोटोग्राफर है और ये सम्मान बहुत प्राउडली मैं देता हूँ क्योंकि वेडिंग फोटोग्राफी को पहले समझना जरूरी है, उसकी अहमियत को समझना है और पहले हम फोटोग्राफर्स उसको समझे, बाद में जमाने का देखेंगे। कुछ भी एक्सपीरियंस आने दीजिए, थोड़ा दुख तो होने वाला है हमें लेकिन उसको सुधारना भी हमारा ही कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब मैं भी बोलता हूँ यार मैं क्या वेडिंग करता हूँ, अगर मुझ में ही वो बताते समय मैं इधर उधर देख रहा हूँ ना तो अगर मुझ में ही अगर वो शर्म है तो फिर हम वेडिंग फोटोग्राफी में आगे करियर नहीं कर सकते। हमें वो प्राउड ही होना चाहिए क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम तो बेस्ट कर रहे हैं, हम तो उस कपल के साथ दोनों फैमिली को और कई सारे लोगों को खुशियाँ भी दे रहे, लाइफ टाइम खुशियाँ दे रहे, ऐसा नहीं कि उस वक्त के लिए, हम तो लाइफ टाइम खुशियाँ दे रहे उन्हें। कभी भी देखे वो 10 साल हमारे उस पिक्चर्स में से एक एक लोग भी निकल जाएंगे लेकिन वो फोटो कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो जो लोग नहीं उस पर फक्र करते हैं, नहीं अपने आप में सम्मान करते तो वेडिंग फोटोग्राफी भी उन्हें कभी सम्मान नहीं करती है, इसलिए वो वेडिंग फोटोग्राफी में आगे नहीं बढ़ पाते और फिर वो बाद में बोलते नहीं वो वेडिंग तो मैं करता था, वो तो बस अपना पैसा कमाने के लिए और थोड़ा पैसा मिलता है घर चलाने के लिए। तो आप उतने तक ही सीमित रहोगे, आपको उसमें कभी यश नहीं मिलेगा, कभी उसमें आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। सक्सेस वही होगा जो उस पर बिलीव करता है, जो उसका सम्मान करता है। तो वेडिंग फोटोग्राफी बहुत ही खूबसूरत प्रोफेशन है, राइट? हाँ यस सर, एब्सोल्युटली। कल्पक अगर आपको आप फैशन में जाएंगे, मैं कॉन्फिडेंटली कहूंगा कि आप फैशन में भी उतना खूबसूरत काम करेंगे। आप अगर फूड फोटोग्राफी करना चाहेंगे, आप अगर प्रोडक्ट फोटोग्राफी करना चाहेंगे तो भी आप उसमें बहुत खूबसूरत काम कर सकोगे। ये मेरा गारंटी है कि आप वहाँ पर भी अपना नाम बहुत आगे लेके जाओगे क्योंकि वो आप एजुकेशन पर बिलीव करते, राइट? यस सर, यस सर। वेडिंग फोटोग्राफी जी जी बताइए। बोलिए बोलिए। वेडिंग फोटोग्राफर बनने के लिए एजुकेशन के साथ उसकी चाहत भी इम्पोर्टेंट रहती है, राइट? उसके उसमें प्राउड फील करना भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने जोसेफ जी का नाम लिया तो जोसेफ प्रादिक जी का एजुकेशन क्या है, मतलब जोसेफ प्रादिक जी का हायर एजुकेशन क्या हुआ है, वो सब ढूंढे।
और अभी इंडिया के टॉप फोटोग्राफर से वो कौन सा एजुकेशन लेकर आए हैं, ये भी बहुत जरूरी है, राइट। तो वेडिंग फोटोग्राफी ऑलरेडी एक सम्मान वाली ही फोटोग्राफर बनते हैं, वहाँ पर एक सम्मान होता है उस फोटोग्राफर को, और वो सम्मान हमें खुद पर काम करके आगे लेके आना है, इसलिए एजुकेशन पर बिलीव करना है। काव्य कला सरिता यहाँ पर है, जब तक कल्पक जी नहीं जुड़ते तब तक उनसे बात करता हूं मैं, कि वो पूछ रहे कि लग्न सोहळ्यात फोटोग्राफी करताना मोबाईल ने कोणी फोटोग्राफर असेल तर काय करावे। अगर कोई मोबाईल से फोटोग्राफी कर रहा है तो उन्हें करने दे, क्यों नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि वो उनकी चाहत है, राइट। हाँ, अगर वो हमें कहते हैं मोबाइल से फोटो खींचो तो आप उन्हें कह सकते हैं कि यार प्लीज सॉरी, क्योंकि मैं मेरा शूट कर रहा हूँ और अगर मैं वहां पर फोकस नहीं रहूँ तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, लाइफ टाइम मोमेंट लॉस हो सकती है, राइट। अगर वो ग्रुप फोटो निकाल रहे हैं और आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिस्पेक्टफुली कि प्लीज जरा हमारा एक फोटो क्लिक कर दीजिए, आप कर दीजिए। ज्यादातर मैं नहीं करता हूँ, मैं सॉरी कहता हूँ कि प्लीज आप एंजॉय कीजिए मोमेंट को, मैं हूँ आपके लिए, बस आप एंजॉय कीजिए, आप मोबाइल के फोटो के भरोसे मत रहिए, क्योंकि वो उस दिन तक रहेगा। कौन देखता है मोबाइल का फोटो दूसरे दिन, हम जो क्लिक करेंगे वो लाइफ टाइम देखेंगे। तो थोड़ा रिक्वेस्ट करके हम लोग उनको कह सकते हैं कि बेसिकली मोबाइल से मोबाइल पे ज्यादा ये मत कीजिए, हम है आपके लिए, ये फोटोज आपके साथ शेयर किए जाएंगे। लेकिन कभी कभी वो भी अपॉर्चुनिटी होती है, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ दिल से, मतलब कि आप सभी परिवार के मेंबर है, मोबाइल के वजह से भी फोटोग्राफर्स की डिमांड बढ़ी है अगर हम अच्छे से सोचे तो, क्योंकि मोबाइल के वजह से लोगों को प्रोफेशनल फोटोग्राफी भी पता चलने लगी है। मोबाइल से क्वालिटी नहीं मिलती तब वो कल्पक को बुलाते कि भाई हमारा फैमिली पोर्ट्रेट खिंचवाना है, राइट। अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन हम लोग हमेशा निगेटिव बातें ही देखते। तो यहाँ पर अनिल धनुजरे जी का बहुत अच्छा कमेंट है कि उगवत्या कलाकाराला पुढील कामा शुभेच्छा, तुमचे असे सेशन पुढे पण पाहण्याची इच्छा आहे। जरूर करेंगे अनिल जी, और आपकी शुभकामनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्पक जी का आज बहुत इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया, लेकिन फिर भी वो जुड़ते रहे हमसे, बार बार प्रयास करते रहे, शायद अभी भी वो रुक गए ऐसा लग रहा है मुझे। विवेक कदम जी का बहुत खूबसूरत यहाँ पर कमेंट है कि योर डार्कनेस एक्सपीरियंस क्रिएट योर फ्यूचर लाइट। यस सर, थैंक यू सो मच। और विवेक जी थैंक यू सो मच कि आपने कल्पक को लास्ट ईयर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया था निफाड़ तालुका फोटोग्राफर्स एसोसिएशन में, कि जहाँ पर कल्पक ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आप उसको अप्रिशिएट किए, राइट। और राकेश मेहत्रे जी कह रहे कि एक बार चाचा भतीजा टॉक हो जाए, होने वाला है एक्चुअली। मैं कई जनरेशन के फोटोग्राफर्स को एक साथ ही वो वन वीक करने वाला हूँ, प्रिपरेशन शुरू है मेरा और बैच भी शुरू हो गई है, वर्कशॉप भी चल रहे हमारे। जैसे मैं नीचे बैनर में दिया हूँ कि 2 डेज का वर्कशॉप है 6 और 7 को, तो उसकी आज तक बुकिंग्स चल रही थी, और वो बुकिंग और बहुत लिमिटेड सीट्स में हम लोग कर रहे हैं, मतलब 5 सीट्स में सिर्फ ये कर रहे हैं, ताकि सबको नॉलेज भी मिले। और बेसिकली क्या होता है कि अब ये सिचुएशंस में ज़्यादा भीड़ भी नहीं करनी हमें। तो न्यूबॉर्न बेबी का भी वर्कशॉप पर हम लोग कर रहे हैं, तो उसका प्रिपरेशन आज तक सब कुछ हो गया, और बहुत इतना लिमिटेड करते समय भी हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि वहाँ से आर्टिस्ट जो बनेंगे उनका प्रोफाइल बनेगा, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कल्पक जी जुड़े हैं फिर से एक बार, मुझे सिर्फ लास्ट में उनसे एक ही पूछना है कल्पक, बस लास्ट, क्योंकि आपको बहुत डिस्कनेक्ट, आपको दिक्कत हो रही है बार बार। क्या आप बताएंगे कि अगर कोई फोटो आर्टियो स्कूल ऑफ फोटोग्राफी आर्ट स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है या फिर आना चाहता है सीखने, तो आपकी सलाह क्या रहेगी? डेफिनेटली जाओ, क्योंकि सर उस फोटो आर्टियो में आप अगर गए तो सिर्फ वहाँ पे टेक्निकल चीज़ें नहीं है, सिर्फ वहाँ पे फोटोज नहीं है या कैमरा नहीं है। मतलब मुझे याद है आप अगर आते वक्त ही स्टूडेंट्स को बोलते कैमरा सीखना आना है तो मेरे तरफ मत आओ, अगर फोटोग्राफी सीखनी है तो ही आओ, राइट। बाद में वो कंपोजिशन रूल्स और ये तो होता ही, लेकिन पर्सनल करियर गाइडेंस भी उतना ही रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं अगर मुझे 2 साल हो गए यहाँ पे आके तो भी आपका गाइडेंस अभी भी है मेरे साथ और वो लाइफ टाइम रहने वाला, ये भी याद मालूम है। मतलब ये जो फैमिलियर जो चीज़ें होती है ना, ये फोटो आरटीओ में जाने के बाद आप फोटो आरटीओ की फैमिली भी बन जाते, तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप डेफिनेटली गो फॉर इट सर। थैंक यू सो मच, ये जानबूझ के मैंने पूछा कि मेरा हक भी है वो, और एक्चुअल आप स्टूडेंट है तो आप एक्चुअल सच बात ही बता सकते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे कोई एडजस्ट किया नहीं गया, माही फोटोज है महेश पवार,
जो कल हमसे जुड़ने वाले 6 बजे, और महेश का भी बहुत खूबसूरत काम है, और प्राउड करता हूँ कि महेश, कल्पक, कई सारे स्टूडेंट्स इनके जैसे स्टूडेंट्स, मतलब मैं, मेरी जो लाइफ है, मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत समय इनके वजह से, और मेरी जो स्माइल है वो भी सब इनके वजह से ही, मेरे छोटे भाई है सब, और मैं तो हमेशा उम्मीद करता हूँ कि ये इतने आगे जाए कि इतना प्राउड फील है कि उनकी फैमिली, जो परिवार है, उनका नाम और रोशन करे और पूरी दुनिया घूमे। अभी भी वो अच्छा ही काम कर रहे हैं, लेकिन आगे आगे बहुत बड़ा करियर है उनके पास। तो कल्पक, थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े और ऐसे जुड़ते रहिए, और भी हम चाचा भतीजा वाला भी एक टॉक करेंगे, और वहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि कल्पक फोटोज क्या क्या करता है। सो थैंक यू सो मच आप सभी को भी। अगर आप किसी को अगर पूरी जानकारी चाहिए कि किस तरीके से वर्कशॉप्स होते हैं हमारे, किस तरीके से कोर्सेस होते हैं, तो मैंने मेरा नंबर यहाँ पर शेयर किया है, राइट। और जो 5 डेज का वर्कशॉप होने जा रहा है, प्रोफेशनल फोटोग्राफी वर्कशॉप, जिसमें सब एडवांस लाइटिंग ट्रिक्स, स्पेशली पोर्ट्रेट्स, क्लासिकल पोर्ट्रेट्स, पोजिंग, लाइटिंग, या फिर किड्स फोटोग्राफी, आउटडोर फोटोग्राफी, फोटो एडिटिंग, ये सभी एलिमेंट्स को हम लोग ले रहे हैं एक एक दिन। जो दिन में कुछ समय हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, कुछ समय हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ 19 तारीख से लेके 23 तारीख तक एक्चुअल पुणे में, जहाँ पर आपका हम लोग स्टे का भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो आप किसी को इंटरेस्ट है तो ज़रूर मुझे कनेक्ट हो जाइए, और हम लोग मिलते रहेंगे। तब तक थैंक यू सो मच कि आप सभी हमसे जुड़े, और आपका यही प्यार बरकरार रखिए। अगर आप में से किसी ने अगर फोटो आर्टियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए अलग अलग टॉक लेकर आ ही रहे हैं। और कल्पक, वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कल्पक, और ऑल पार्टिसिपेंट्स के लिए भी थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए और आपके आशीर्वाद रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट कल्पक, जस्ट अ मिनट, वेट। ओके।